स्वागत है। उड़ान द्वारा आयोजित इस अवेयरनेस सेशन के प्रारंभ होने के पहले मैं उड़ान के प्रमुख सदस्यों, जिन लोगों ने उड़ान की कल्पना को मूर्त रूप दिया है, उनका परिचय आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। परिचय के पहले क्रम में मैं नाम लेना चाहूंगी श्री अनुपम भटनागर जी का। श्री अनुपम भटनागर जी उड़ान के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि आप संस्कार भारती, जो आरएसएस का कला एवं साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला अखिल भारतीय संगठन है, उसके आप उत्तर क्षेत्र प्रमुख हैं, जिसके अंतर्गत 6 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं दिल्ली। आप 25 वर्षों से संस्कार भारती से जुड़े हुए हैं। आप उड़ान की तरह ही एक संगठन चित्र भारती, जो देश में अच्छे विषयों की फिल्मों और निर्देशकों को आगे लाने के लिए कार्य करता रहता है तथा प्रति 2 वर्ष में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करता है, उसके आप अखिल भारतीय कोष प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त आप एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं एवं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय हैं। आपके कई विद्यालय हैं। उड़ान के ही प्रमुख सदस्यों के परिचय के अगले क्रम में हम सभी के मध्य में श्री सुमित मालूजा जी हैं। आप उड़ान के संयोजक हैं। आपके दिशा निर्देशन में उड़ान अनवरत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आपके प्रोत्साहन एवं दूरदृष्टि से उड़ान अनेक वर्टिकल्स में कार्य कर रहा है। आप एक समाज सेवी भी हैं। आपका सुकर्मन नाम का एक संस्थान है, जिसके माध्यम से आप न केवल समाज के वंचित वर्ग के लिए कार्य करते हैं, बल्कि पर्यावरण और जन संसाधनों की पूर्ति के लिए भी लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। हमारे साथ उड़ान के अन्य सदस्यों में प्रमुख रूप से प्रेरणा मल्होत्रा जी, सुशील जी, रीना जी, मंजरी जी, दिव्यांशा जी एवं अन्य वरिष्ठ सदस्य हैं। अगर मैं किसी वरीयता के क्रम में किसी का नाम लेना भूल गई हूँ तो वो मुझे क्षमा करेंगे। सभी का उड़ान के इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं आगे आज के विषय को प्रस्तावना के रूप में देने के लिए अपने उड़ान के अध्यक्ष श्री अनुपम भटनागर जी से आग्रह करूंगी कि वे आज के प्रस्तावित विषय को हम सबके समक्ष रखें। श्री अनुपम भटनागर जी। स्क्रीन पे सभी को मेरा नमस्कार और उड़ान के इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से बच्चे, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, टीचर्स इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आज का जो सत्र रहने वाला है, डॉक्टर शांतनु और डॉक्टर निशा तो हमारे मध्य में हैं, वो आज का सत्र लेंगे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। जैसा कि अभी श्रुति जी ने बताया आपको कि उड़ान किस तरह से काम करता है, बेसिकली उड़ान स्टूडेंट्स और छात्र छात्राओं, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, उनके बच्चों के लिए काम करता है, उनके मध्य में काम करता है कि उनको सही दिशा निर्देश मिले, कला के क्षेत्र में वो किस तरह से कला के माध्यम से अपने अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुतियां समाज के सामने रख सकते हैं। तो इस प्रकार का मार्गदर्शन और दिशा निर्देश लगातार उड़ान उनको देता चला आ रहा है। लगभग 6 वर्ष पहले उड़ान की शुरुआत हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 बड़े आयोजन वार्षिक हमारे हुए, उसके अलावा IGNCA जो एक बहुत बड़ा कला केंद्र है, कला का केंद्र है दिल्ली में, वहाँ पर 2 कार्यक्रम हमने आयोजित किए और JNU जो अपना विश्वविद्यालय है वहाँ पर एक बहुत 4 दिन का कार्यक्रम वहाँ पर रहा। तो इस तरह की गतिविधियाँ लगातार चलती हैं और पिछले कोरोना काल में क्योंकि संभव नहीं हो पा रहा वो सब चीज़ें जैसे हम पहले करा करते थे, तो वर्चुअल ही रहकर हमने प्रयास किया कि वर्ष भर कोई ना कोई गतिविधि चलती रहे, उसमें विजुअल आर्ट, डांस, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, 14 वर्टिकल हैं लगभग, जिनके माध्यम से हम संस्कार देने का कार्य छात्र छात्राओं में और समाज में करते हैं। आज हम एक विशेष कार्य के निमित्त यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से
पूरा विश्व एक महामारी के साथ जूझ रहा है और हम सब उसके साथ जूझ रहे हैं। भारत भी पीछे काफ़ी समय से, लगभग सवा वर्ष, एक साल सवा साल हो गया है, इस बीमारी से जूझ रहा है और काफ़ी क्षति हुई है। हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इस प्रकार का कोई महामारी विश्व में आएगी, फैलेगी, कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन जब आई है तो उसका सामना भी हमको करना है। हम ये सोच रहे थे कि शायद ये बीमारी फरवरी मार्च अप्रैल तक समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसकी जो दूसरा लहर आया है वो उससे भी कहीं गुना ज़्यादा विकराल रूप लेकर आई है ये बीमारी। और केवल कोरोना ही नहीं, उसके साथ में और भी कई चीज़ें रोज़ हमें सुनने को मिलती हैं, नई नई बीमारियाँ जो हमने कभी सोचा नहीं था, ना देखा था, ना सुना था। केवल हमने ही नहीं, शायद वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने, उन किसी ने भी ये सब नहीं सुना था कि कोई ब्लैक फंगस या वाइट फंगस या नई नई चीज़ें, ऑरेंज फंगस, ये कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें निकल के। तो उस सबसे एक अजीब सी एक दहशत पूरे समाज में है। हम सब सहमे हुए, डरे हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि लगातार इस पर काम कर रहा है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे आयुर्वेदाचार्य, हमारे योगाचार्य, हमारे अलग अलग थेरेपी जो हमारी एलोपैथी, होम्योपैथी और जितने भी हमारे जो ये चीज़ें मेडिकल की चीज़ें हैं, वो सब लोग उसमें लगातार काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने डॉक्टर शांतनु और डॉक्टर निशा को आज यहाँ पर आमंत्रित किया कि वो हमें थोड़ा सा बताएं कि हमें क्या करना है, क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए इसमें, और किस प्रकार से हमको इस लड़ाई को जीतना है सब मिलजुल के और बिना किसी घबराहट के, बिना पैनिक हुए। क्योंकि हमारा जो संगठन है उड़ान, वो ठीक है, उसका मूल उद्देश्य कला के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के साथ काम करने का है, लेकिन हर संगठन का, जो भी एक सामाजिक संगठन है, चाहे वो ट्रस्ट है या कोई संस्था है या समिति है, उसका एक नैतिक दायित्व तो ये बनता है कि जब हम समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सेवा कार्य भी हमें करना है। अब वो सेवा कार्य किसी भी रूप में हो सकता है, वो राशन की किट बांटने के रूप में हो सकता है, दवाइयाँ बांटने के रूप में हो सकता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का व्यवस्था करने के रूप में हो सकता है, और इस प्रकार के सत्र जो एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसे अभी श्रुति जी ने कहा, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में हम आपके सामने इस प्रकार के महत्वपूर्ण लोगों को, डॉक्टर्स को और अन्य आगे भी हम काफ़ी लोगों को व्यवस्था कर रहे हैं लाने की, उनको आपके समक्ष लेके आएं और वो आपका मार्गदर्शन करें, जिससे कि कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से उस चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हों, तज हों और इससे जूझ सकें। क्योंकि बच्चों के अंदर, बहुत बड़ों में तो है ही है, लेकिन स्टूडेंट्स में जिनको अभी तक जिनका वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ, हम उनसे ये नहीं अपेक्षा कर सकते कि वो ग्राउंड जीरो पे जाके कुछ मदद करेंगे, किसी की सहायता करेंगे। हम आज अपने बच्चों को भी कहीं भेजने को तैयार नहीं, हम स्वयं निकलने को तैयार नहीं, तो हम बच्चों को कैसे भेज सकते हैं। तो हमने ये विचार आया मन में कि क्यों ना हम इस प्रकार का एक सेमिनार का और एक सत्र का आयोजन करें, जिससे कि आप लोगों को भी पता लगे कि हमें किस तरह से इस चीज़ से लड़ना है। और आगे भी चूँकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर आएगी और वो स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे ज़्यादा इसका होगा, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहें तो मैं इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करता। क्योंकि अगर हम सावधानी बरतेंगे और जो चीज़ें आज हमें बताई जाएंगी, तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ को रोक पाएंगे। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि जो भी आज यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, आप उसको बहुत ध्यान से सुने, समझें, और अगर हम चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और बाद में भी, जैसे हमने पहले भी एक दो सत्र डॉक्टर साहब के कराए हैं, तो उसमें हमने ये व्यवस्था रखी है कि बाद में भी आप उनसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, और कोई अगर सलाह लेनी है तो आपको मिलेगी। इसी कड़ी में आगे भी बहुत सारे सत्र होने वाले हैं, जिसकी सूचना समय रहते आप सब तक पहुँचेगी ही। तो मेरा आपसे फिर ये रिक्वेस्ट, मेरा अनुग्रह, अनुरोध है कि आप सब लोग इसका लाभ उठाएं, अधिक से अधिक संख्या में और जुड़ें। जो अभी लोग नहीं जुड़े हैं, हम फ़ोन करके उनको बोल सकते हैं कि वो जुड़ें, और ताकि अधिक से अधिक आप सबको इसका लाभ हो सके। आप सबने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे अपेक्षा कि आप इसको बहुत ध्यान से सत्र को अटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू श्रुति जी। It is a privilege for UDAN that today we are organizing an interactive awareness session on defeating coronavirus and black fungus.
with two distinguished homeopathic doctors in conversation with Dr. Nisha Chaudhary and Dr. Shantanu Chaudhary. They have not only been helping their patients, but also proactive in spreading awareness and addressing the queries of a lot of people through their online sessions. Dr. Shantanu Chaudhary is a consultant homeopathic physician, got his degree from Nehru Homeopathic Medical College, Delhi University. He is a consultant physician with Pushpanjali Hospital for over 7 years now, and also practicing in their own clinical setups at Preet Vihar, IP Extension, and Gurugram. Dr. Nisha Chaudhary is a consultant homeopathic physician, got her degree from Nehru Homeopathic Medical College, Delhi University. She is the founder and consulting physician of Satnam Homeopathic Clinic, Dwarka branch, for over 7 years. Now she is also practicing in their private clinical setups of Preet Vihar and IP Extension. These days, Dr. Shantanu and Dr. Nisha are dealing with lots of COVID cases daily and have successfully treated, managed, and counseled a big number of COVID patients and helped them in providing earlier and safer mode of treatment. Now I would humbly invite Dr. Shantanu and Dr. Nisha to take this session onwards. Thank you, Dr. Shantanu and Dr. Nisha. Please proceed. Dr. Shantanu and Dr. Nisha. नमस्कार, नमस्कार. Am I audible, ma'am? हाँ. नमस्ते एवरीवन. सबसे पहले हम उड़ान फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और हमें यहाँ पे आज इनवाइट किया. ये जूम मीटिंग के जरिए हमारा मोटिव आप सबको ये बताने का है कि आपके मन में जो भी कॉमन डाउट्स आ रहे हैं उनको हम दूर कर सकें, और ये प्रेजेंट हमारे सभी कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन जो मेरे को अभी लिस्ट में दिख रहे हैं उनको अवेयर और प्रिपेयर कर सकें इस एपिडेमिक के खिलाफ. अभी इस कोविड इन्फेक्शन में हम रोज काफी पेशेंट से डील कर रहे हैं, माइल्ड केसेस भी और सीरियस केसेस भी. हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जितनी बीमारी है उससे कहीं ज्यादा उसका डर बन गया है. ये बिल्कुल नहीं कह सकते हम कि डरना ठीक नहीं है, डरना बिल्कुल ठीक है, पर ये डर के कारण बीमारी की जानकारी कम होने की वजह से हो रहा है. ये बिल्कुल व्हाट्सएप और फेसबुक और ऐसी चीज़ों पे फॉरवर्डेड मैसेजेस की वजह से जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनको आज हम यहाँ पे दूर करना चाहते हैं. लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि अगर इन्फेक्शन हो गया है तो फिर करना क्या है, कौन सा टेस्ट कराना है, कितनी तकलीफ हो तब डॉक्टर के पास जाना है, और कितनी तकलीफ हो तब हॉस्पिटल में बेड के लिए सोचना पड़ सकता है. इस माहौल में बीमारी के डर से और ज़्यादा परेशानी हो रही है. न्यूज़ में इतनी नेगेटिविटी है, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे मैंने कहा इतनी चीज़ें दिखा रहे हैं, और लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे हर मैसेज पे बिलीव करने को मजबूर हैं. पहले सिर्फ कोविड था, फिर उसकी सेकेंड वेव आई, अब ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, और आने वाली थर्ड वेव जैसे मिस्टर अनुपम जी ने हमें बताया उसकी चिंता हम सबको और टेंशन में डाल रही है. हम आज जो यहाँ बताने वाले हैं वो सब आप लोग न्यूज में और इधर उधर रोज सुन रहे हैं, पर कब क्या स्टेप लेना है ये समझना बहुत जरूरी है. ये बीमारी क्यों आ रही है, इससे और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, और इसको टाइमली कैसे रिकॉग्नाइज करके स्टेप्स लिए जाएं, आज हम इस पे आपको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे. हम बहुत जल्दी से आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे, फिर आपके जो क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं. अगर हमारे एक्सप्लेनेशन के बीच में आपके मन में कोई डाउट आए तो उसे आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए या हैंड रेज कीजिए. एक्सप्लेनेशन के बाद हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. सिर्फ मैसेज पढ़ने से, एक चीज की धारणा बनाने से बेटर है आप पूरी बात अच्छे से समझिए, अपने डाउट्स को पूछ लीजिए, जिससे इमरजेंसी सिचुएशन में स्टेप लेने में कोई तकलीफ ना हो और इमीडिएट स्टेप लिया जा सके.
हम एक प्रेजेंटेशन के जरिए आपसे आगे की बात डिस्कस करेंगे। अब डॉक्टर निशा, आपको कोविड क्या है उस पे ओवरव्यू देते हुए स्टार्ट करेंगी कि कैसे और क्या किया जाए, देन फिर हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज पे जाएंगे। हम स्क्रीन शेयर करें। नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू उड़ान एंड द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। इस वायरस को तो हम लोग क्योंकि पिछले 1.5 साल से डील कर ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को इसकी नॉलेज हो गई है। तो इसको कम लेकर चलेंगे और इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो आजकल हम डील कर रहे हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और जो और तकलीफें उभर रही हैं, उनके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस है क्या, ये क्या इन्फेक्शन है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसको थोड़ा सा पहचानते हैं। इट्स अ वायरस इन्फेक्शन जो कि बहुत हाईली इन्फेक्शस है एंड एक न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस जिसे कि कोरोना वायरस बिलोंगिंग टू कोरोना वेरिएटिव फैमिली, उसके जरिए ये होता है। सबसे पहले ये जो वायरस है ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी म्यूकोजा लाइनिंग जो है उसको अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से सिम्टम्स जैसे कि कफ, खांसी, जुकाम, फीवर आना और निमोनिया, ऐसे तरह के सिम्टम्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन का लोड कितना है या वायरलेंस क्या है इन्फेक्शन की। ठीक है, अभी हम ये जानते हैं कि ये वायरस इन्फेक्शन तो कई तरह की पहले भी रह चुकी हैं, बट ये वायरस इतना जानलेवा क्यों है, ये इतना डेंजरस क्यों है और ये बाकी वायरसेस से ये इन्फेक्शन इतनी अलग क्यों है। इसे हम कह सकते हैं कि ये जो वायरस है इसका जो नेचर है इट इज वेरी नोटोरियस, जैसे कि बहुत शरारती वायरस है ये, क्योंकि सबसे पहले तो ये बहुत हाईली इन्फेक्शस है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को बहुत जल्दी फैलता है एंड इसका जो अटैक है हमारे सिस्टम पे, हमारे बॉडी पे, इट अक्यूटली अफेक्ट्स अस, जिसकी वजह से ये हमें बिल्कुल टाइम नहीं देता ज्यादा सिम्टम्स आए, उनको हम पकड़े, इलाज कराए, तो इसीलिए हमें बहुत विजिलेंट होने की इस इन्फेक्शन में जरूरत होती है। सेकेंडली जो इसका मेकअप है इस वायरस का, जिसे हम कहते हैं एक वायरस स्ट्रक्चर, जो इसका प्रोटीन मेकअप है वो बहुत जल्दी बदलता रहता है, जो वायरस है वो म्यूटेट कर जाता है, जिसकी वजह से ये एक तरीके का नहीं रहता, एक समय में कुछ है, दूसरे समय में कुछ है। जैसे हम देख रहे हैं जो फर्स्ट वेव थी उसकी साइन एंड सिम्टम्स कुछ अलग थे, सेकेंड वेव के कुछ अलग हैं और जो उसके साइड इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स है इवन वो भी अलग है। वो इसीलिए है क्योंकि जो वायरस है अपना फॉर्म बार बार बदल लेता है, जिसकी वजह से इसकी दवाई ढूंढने में भी डॉक्टर्स को काफी परेशानी होती है, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये अपना एक फॉर्म बदलता रहता है। थर्डली ये जो वायरस का स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम लोग टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर्स में या हमारी प्रेजेंटेशन में भी आप देख रहे हैं, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है इस वायरस की, इसके नाम में ही आप देख सकते हैं जैसे कोरोना, इट हैज अ क्राउन अराउंड इट, जो इसके प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं इस वायरस के आसपास इसको एनवलप कर लेते हैं, इसको एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिसकी वजह से इसको किल करना थोड़ा मुश्किल है और जिसकी सहारे से ये इट स्टिक्स टू द सर्फेसेस, कहीं पर भी हमारे जैसे टेबल्स पे, प्लास्टिक्स पे, हमारी जितनी भी आउटडोर सर्फेसेस होती है वहां ये चिपक जाता है और बहुत ईजिली ये ट्रांसफर हो जाता है हवा के थ्रू, काफी देर तक ये ट्रैवल भी कर सकता है। एंड लास्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये एक बहुत न्यू तरीके का वायरस है जो ह्यूमन रेस में पहले नहीं देखा गया, इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसीलिए ये जो वायरस है हमारे सिस्टम पे काफी हद तक सेलुलर डैमेज और इन्फ्लेमेशन काफी हद तक ज्यादा करता है, जिसको हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांगली रोक नहीं पा रहा है। ठीक है, ये तो कोरोना वायरस जो वायरस है उसको हमने जाना। अब अगर हम ये सिम्टम्स हो जाते हैं तो हम क्या करें। सबसे पहले हम ये सुनते ही आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से, खांसी, जुकाम,
हल्का फुल्का बुखार आना, सबसे पहले जो इसके लक्षण हैं ये देखे जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोल्ड कफ या माइनर इवन लो ग्रेड फीवर भी आता है, फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है, मास्क पहनिए और आइसोलेट हो जाइए, अपने अलग कमरे में हो जाइए, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ खाना पीना उठना बैठना बिल्कुल इमिजिएटली बंद कर दीजिए जहां आपको पहला ही सिम्टम दिखे। ठीक है, आप आइसोलेट हो गए, उसके बाद आपको एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जो चीजें आप खुद अपने आप मैनेज कर सकते हैं उसमें क्या क्या आता है, स्टीमिंग, स्टीमिंग विद सलाइन वाटर, जो पानी होता है उसमें नमक डाल के उसकी एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार आप स्टीमिंग करें, जिससे क्या होगा कि हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है जहाँ पे जो ये वायरस है कुछ टाइम तक आके रह सकता है, एटलीस्ट वहां अगर ये हो तो वहां इसको हम जो है वहीं पे इसका साफ कर सके, या फिर इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज होता है उसको स्टीमिंग से शांत किया जा सकता है। बहुत अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करें, ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारे कंट्री का स्पेशली दिल्ली का जो मौसम है, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है बहुत ज्यादा, वैसे भी स्वेटिंग ज्यादा होती है और लो बीपी होने का रिस्क रहता है, तो इसलिए हाइड्रेशन बहुत मेंटेन करें, जितना हो सकता है बॉडी से अच्छी तरीके से टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएं, इसलिए बहुत पानी पिए, नारियल पानी, ओआरएस, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोल, डिपेंडिंग ऑन अगर आपको आप डायबिटिक हैं तो आप कुछ चीजें इसमें से यूज नहीं कर सकते, तो इन सब चीजों का खाने पीने में आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको चेक इन पैरामीटर्स को रखना है, ठीक है, हर 3 घंटे पे अपना टेम्परेचर, अपना पल्स और अपना SpO2 लेवल, जिसका मतलब होता है कि हमारे खून में ऑक्सीजन का लेवल कितना रह रहा है, ये 3 चीजें हमें हर 3 घंटे पे मॉनिटर करते रहना है। और अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, तो अपने बाकी पैरामीटर्स भी, ब्लड शुगर, फास्टिंग, बीपी, एंड अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो अपना ब्लड प्रेशर, इसको भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग दिन में 2-3 बार जरूर कीजिए, ताकि आप पता रहे कि आपके ये पैरामीटर्स नॉर्मल लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। बाकी आप जो अपने पे कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, आपकी सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे होती हैं अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण हो गया, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत ब्रीदिंग डिस्ट्रेस होता है तो आप सुपाइन पोजीशन पे लेटकर, जैसे तकिया लगाकर अपने बेड पे, अगर आपके पास बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है आपको, तो आप घर में भी इसको मैनेज कर सकते हैं। उल्टा लेटिए, तकिए को अपने पेट के नीचे रखिए, टांगों के नीचे रखिए, उल्टा लेटिए थोड़ा, फिर उठ के बैठिए, फिर थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, इन चीजों से भी हम आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो SpO2 लेवल है, ये एक चीज है जिसको काफी हद तक काफी लोग इसको लेके कंफ्यूज हैं कि ये कितना होना चाहिए, नॉर्मल लेवल क्या है, अबनॉर्मल क्या है, कितने पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने पे हमें हॉस्पिटल रश करने की जरूरत है। जो SpO2 लेवल होता है, अगर आपका 95 से अबव रहता है तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरीके की कोई एकदम अक्यूट इमरजेंसी नहीं होने वाली, ठीक है। अगर आपका SpO2 लेवल थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, मान लीजिए 94 है फिर 96 हो गया, 93 है फिर 95 हो गया, अगर इस तरह से फ्लक्चुएशन है तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ पेशेंट जो ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं, या फिर जो लोगों को किसी तरीके की कोई लंग डिसीज है, COPDs हैं, ऑलरेडी चल रही हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत फीवर होता है तो उनके केसेस में थोड़ी सी जो SpO2 का लेवल है वो फ्लक्चुएट करना, 95 से 90 के बीच में भी फ्लक्चुएट करना, ये चीजें हो सकती हैं। तो इससे हमें अलर्ट होने की जरूरत है, बट बहुत पैनिक की जरूरत नहीं है। बट अगर हमारा SpO2 लेवल लगातार गिरता जाता है, जैसे मान लीजिए 98, 95, 93, 90, 90 के नीचे जाता रहता है, वो वहां हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है, दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। वहां हमें अपने डॉक्टर से इमीडिएटली सलाह लेनी चाहिए, वो जैसे बताते हैं उस तरीके से हमें चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें, अगर हमें ये सिम्टम्स होते हैं तो हमें खुद से घर पे रहते हुए कैसे मैनेज करना है, एक फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है। तो इसके लिए तैयार होने के लिए हमारे पास घर पे कुछ कुछ चीजें जो हमेशा अब के टाइम में बहुत जरूरी हैं और हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, स्टीमर, हाइड्रेशन के लिए जो चीजें होती हैं ORS, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोल पाउचेस, ठीक है, और अच्छे विटामिन सी के सोर्सेस। जरूरी नहीं है कि आपको विटामिन सी की टैबलेट्स ही खानी है, अगर आपके लेवल्स नॉर्मल है, आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है, आपको बिल्कुल भी टैबलेट्स की जरूरत नहीं है, आप उससे बेटर है जो नेचुरल सोर्सेज हैं आप वो लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, एक आप नेचुरल चीज भी ले रहे हैं, दूसरा आपके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होगी। सिमिलरली जैसे जिंक है, जैसे आयरन टैबलेट्स हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि इनके वजह से भी आप फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, जो हम आगे आपको और एक्सप्लेन करेंगे।
तो बेटर होता है कि अगर आपके लेवल्स नॉर्मल है तो आप हमेशा नेचुरल सोर्सेज पे रिलाई करें रादर देन ऑप्टिंग फॉर मल्टीविटामिन्स और आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब इसके आगे ये तो सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन की बात है, अगर ये इन्फेक्शन और बढ़ी हमें कब क्या करना है इसके बारे में डॉक्टर शांतनु आपको बताते हैं। हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से थोड़े से अपने लेवल पे क्लासिफिकेशन करी है और आप लोगों को बताने के लिए, ये एग्जैक्टली ऐसा कहीं मेडिकल बुक्स में या कहीं कैटेगराइजेशन नहीं है, सिर्फ एक आपके समझने के लिए कि ये क्या कैसे कितना हो तो कितना अलार्मिंग है इसके लेवल पे हमने कुछ क्लासिफिकेशन करी है, उस लेवल से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कोविड को हमने तीन तरीके से कैटेगराइज करा है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड मतलब बहुत बेसिक, मॉडरेट मतलब ठीक ठाक इन्फेक्शन, और सीवियर मतलब जिसमें आपको सीरियस इलनेस हो सकती है या आपको ज्यादा ध्यान देना है। माइल्ड कोविड इन्फेक्शन में क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर निशा ने बताया नॉर्मल फ्लू, नॉर्मल इन्फेक्शन, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह है। सो लो से हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। लो ग्रेड फीवर जब कोई भी डॉक्टर आपसे अगर बात करेगा, मतलब 100 से कम फीवर जब होता है तो वो लो ग्रेड फीवर में काउंट होता है। अगर 100 से ऊपर है, 101, 102, 103 उसके ऊपर जा रहा है, मतलब ये हाई ग्रेड फीवर है। तो इसमें 98.6 से ज़्यादा 99.5, 100 से लेके 101, 102 तक फीवर रह सकता है। खांसी, कफ एंड कोल्ड, सूखी खांसी और थोड़ा बहुत कभी कभार नाक में पेशेंट कहेगा कि हल्का सा मुझे थोड़ा सा ऐसा या तो गीला गीला लग रहा है या नाक बंद बंद सी लग रही है, वरना सूखी खांसी, ज्यादातर आप लोगों ने भी सबने सुना होगा इसमें सूखी खांसी होती है, गले में खिचखिच या सूखी खांसी। बदन दर्द और कभी कभी हेडेक या बदन दर्द, मतलब शरीर टूटा टूटा सा फील होना, और साथ में शुरुआती दिनों में ही टेस्ट और स्मेल चले जाना। बहुत ज्यादा पीछे जब से कोविड आया था और ये था कि टेस्ट और स्मेल इसमें चला जाता है, लोगों का किसी भी रीजन से टेस्ट और स्मेल शुरुआत के 3-4 दिन में भी चला जाता था तो वो एकदम से बेचैन हो जाते थे कि डॉक्टर साहब हमारा टेस्ट और स्मेल चला गया। शुरुआती तौर पे अगर इन सिम्टम्स के साथ में टेस्ट और स्मेल गया है, मतलब जितना भी इन्फेक्शन था हमारे मुंह से लेके हमारे यहाँ तक के गले में ही वो चीज रही और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि जीभ पे हमारे सारा टेस्ट होता है, नाक पे हमारा सारी स्मेल होती है, इसलिए ये एकदम अर्ली रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे ये सिम्टम्स आ जाते हैं और थोड़े टाइम में बाकी इन्फेक्शन जैसे जैसे चला जाएगा वैसे वैसे टेस्ट और स्मेल वापस आ जाती है। अगर पल्स ऑक्सीमीटर, जैसे डॉक्टर निशा ने बताया घर पे होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर जब रखते हैं उसमें ज्यादातर जो SpO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल जिसे कहते हैं, वो ज्यादातर इस माइल्ड इन्फेक्शन के अंदर 97-99 के आसपास ही रहता है, उससे कम नहीं जाता। अगर फीवर इस माइल्ड इन्फेक्शन के साथ में नहीं सबसाइड होता, मतलब 98.6 के नीचे नहीं जाता और लगातार बना हुआ है फीवर 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा और साथ में वीकनेस भी बढ़ रही है, तब हमें वो RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत है। पहले दिन हल्का सा बुखार या गले में खिचखिच या बॉडी एक होते ही या थोड़ी सी स्मेल कम आने से सीधे RT-PCR पे बिल्कुल मत भागिए। अगर आपको कोविड होगा भी तो भी शुरुआती 1-2 दिन में नहीं पकड़ में आएगा, पहले ऑब्जर्व कीजिए, जैसे जैसे सिम्टम आए वैसे वैसे एक्शन लीजिए। अब आते हैं हम मॉडरेट कोविड इन्फेक्शन, ये माइल्ड से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर कुछ लाइन ऑफ सिम्टम्स जो आते हैं उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। इसमें भी परसिस्टेंट फीवर, मतलब फीवर चलता रहेगा, फीवर टूटेगा नहीं, 2-3 से ज्यादा, अब 4-5 दिन या 6 दिन की बात आ गई, अभी हम आगे आपको टेबल में भी समझाएंगे, फीवर नहीं टूट रहा, लो से हाई ग्रेड हो सकता है लेकिन फीवर नहीं टूटेगा, बॉडी एक भी है, वीकनेस भी है, गले में अब दर्द होना शुरू हो गया, पहले सिर्फ सूखी खांसी थी अब गले में दर्द होना शुरू हो गया, थोड़ा सा थूक सटकने में या खाना खाने में भी गले में पेन होना शुरू हो जाता है कभी कभी। RT-PCR जब करवाया, RT-PCR के अंदर एक CT वैल्यू आती है, सब लोग पेशेंट सब फोन करके सीधे बताते हैं हमारी वैल्यू इतनी आई, थोड़ा सा 1 मिनट में समझा देते हैं कि ये वैल्यू होती क्या है। CT वैल्यू हमारी 1-35 के बीच में रिपोर्ट के अंदर आती है। इसका मतलब क्या है, जब ये टेस्ट कराया जाता है तो एक सर्टेन साइकल्स के अंदर वायरस को ढूंढा जाता है कि वायरस बॉडी में है कि नहीं, वो कितनी साइकल्स
करने के बाद वो वायरस मिलता है उसके हिसाब से ये सीटी वैल्यू है। जैसे अगर सीटी वैल्यू 35 तक है और सीटी वैल्यू आई 30, इसका मतलब 30 राउंड्स ऑफ वायरस की खोज के बाद वायरस मिला। जितना ज्यादा सीटी वैल्यू स्कोर उतना कम इफेक्टिव है वायरस। इस मॉडरेट के अंदर ज्यादातर सीटी वैल्यू 20 या 25 के ऊपर ही रहती है। इसका मतलब शुरुआती दौर में जब वायरस की खोज हो रही है उस टेस्ट के दौरान, तो उसमें 20 या 25 साइकिल तक वायरस नहीं पकड़ में आया, उसके बाद आया। इसका मतलब वायरस का कैरेक्टर थोड़ा ढीला है, कमजोर है। इसके साथ में जो हम पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन नापते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन 94-95 के आसपास आएगी, ज्यादातर इससे नीचे नहीं जाती है, बट 94-95 तक आएगी। तो 94-95 इवन 93 तक भी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहिए। अगर फीवर 4 या 5 दिन से ज्यादा हुआ तब आपको कुछ ब्लड टेस्ट शायद कराने की जरूरत पड़े, आप करवा सकते हैं, या फिर इस दौरान तक अगर आपका जो भी फैमिली फिजिशियन या जिस भी डॉक्टर से आप संपर्क में हैं आप उनसे बात करें, तो हो सकता है ये आपको ये कुछ 3-4 टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे। CBC, CRP, D-dimer, ferritin, इनके बारे में थोड़ा हम आगे बताएंगे आपको। Then serious COVID illness, इसके अंदर मतलब हम जो माइल्ड और मॉडरेट कह रहे हैं, अब ये आ गया सीवियर इन्फेक्शन। इसमें पहले खांसी थी, फिर गले में दर्द था, अब ये और नीचे चला गया, अब मामला छाती तक पहुंच रहा है, तो सांस लेने में तकलीफ, थोड़ा सा भी बोलेंगे तो हो सकता है कि सांस लेने में, सांस खींचने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा भी चल लिया या कुछ जोर से ठहाका लगा लिया तो ऐसा लगा कि सांस हल्की सी टूट रही है, कफ बना रहेगा, साथ में खड़खड़ भी हो सकती है, खांसी करते हुए छाती में पेन भी हो सकता है, जकड़न सी फील हो सकती है, हैवीनेस इन चेस्ट, छाती भारी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है छाती पे कुछ रखा हुआ है। इस केस के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो हमारे 91-92 से अब नीचे की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। जब भी SpO2 लेवल्स की हम बात करें, अगर वो 93-94 तक हैं और मेंटेन्ड हैं तो ठीक है, 91-92 से नीचे जाना या 80s की लाइन पकड़ लेना, इसका मतलब अब कुछ आपको इस वक्त इमीडिएट स्टेप्स लेने की जरूरत है, डॉक्टर से कॉन्स्टेंटली टच में रहने की जरूरत है। इसमें जो CT स्कोर जो हमने बताया RT-PCR का, ये 20 से कम होगा, मतलब कम साइकिल्स में ही वायरस डिटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वायरस का लोड ज्यादा है, वायरस का जोर ज्यादा है। HRCT चेस्ट, जो CT स्कैन चेस्ट जो पीछे बहुत आया था कि शुरुआती जांचों में या शुरुआती 2-3 दिन के फीवर में ही पेशेंट्स भाग रहे थे कि CT स्कैन करा के देख लेते हैं कहीं हमें प्रॉब्लम तो नहीं है, शुरुआती दौर में ना तो CT स्कैन में कुछ आता है और CT स्कैन इतनी जल्दी कराना नहीं चाहिए। CT स्कैन एक मशीन, अगर आप लोगों को पता हो, उसके अंदर बॉडी जाती है और फिर आपका जांच होती है, वो एक एक्सरे जैसे हम करवाते हैं उसमें भी रेडिएशन होती हैं, ये कुछ 300 एक्सरेज के बराबर एक CT स्कैन है, सिर्फ देख लेते हैं कि कुछ है तो नहीं, इसके लिए आपको CT स्कैन नहीं कराना चाहिए। ऐसे में सीरियस इलनेस के केस में आपको HRCT के लिए जाना जरूरी है। इस केस के अंदर आप HRCT करवाएं अगर 5 से 6 दिन तक आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हुए हैं, ये वाले सिम्टम्स आ गए हैं और स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स से आपको 5-6 दिन हो गए हैं ये चीज से जूझते हुए और धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। हम एक टेबल के फॉर्म में बताते हैं आपको क्विकली, आप जो अभी हमने बोला ये वही चीज है। Day 1 to day 4, शुरुआती 4 या मैक्सिमम 5 दिन के अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे, शुरुआती तौर पे आप देखें तीनों में लगभग सेम सिम्टम्स हैं। बॉडी एक है, हेडेक है, ड्राई कफ है, गले में खिचखिच है, इरिटेशन है, स्मेल में या टेस्ट के अंदर इसके अंदर ऑल्ट्रेशन आ गया, या तो चेंज होगा या टेस्ट चला जाएगा, और लो टू हाई ग्रेड फीवर। वैसे ही मॉडरेट और सीवियर में भी बॉडी एक, हेडेक उनमें भी होता है, शुरुआत में उनमें भी ड्राई कफ होगा या गले में इरिटेशन होगी, लो से हाई ग्रेड फीवर होगा। सीवियर इन्फेक्शन में ज्यादातर सीधा ही 103, 104, 102.5 ज्यादा हाई ग्रेड फीवर आते हैं। अब Day 5 to 6 की बात करें, जब 5वां या 6वां दिन हो गया, माइल्ड इन्फेक्शन वाला तो रिकवरी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है,
फीवर उसका हट जाता है, नो फीवर उस टाइम पे। वीकनेस जरूर आएगी, ये बाद में हम और डिस्कस करेंगे पोस्ट कोविड क्या क्या होता है, तो उसके बाद वीकनेस बहुत आती है और भूख, खाने का मन नहीं कर रहा, खाने को देखने का मन नहीं कर रहा, ये जनरली कोई भी फीवर होता है तो उसके बाद ये सिम्टम्स आते ही हैं, तो ऐसा इसमें आएगा। जब हम मॉडरेट की बात करते हैं, लो टू हाई ग्रेड फीवर बना हुआ है, थोड़ी सी खांसी या खांसी के साथ में या तो थोड़ा बलगम आएगा या सूखी खांसी ही आएगी, इसके साथ में छींकें, शुरुआती जब फर्स्ट वेव थी तब सिर्फ ड्राई कफ होता था, कहते थे अगर आपकी नाक बह रही है इसका मतलब आपको शायद कोविड है ही नहीं। सेकेंड वेव में स्नीजिंग और नाक से पानी आना, ये भी सिम्टम्स आए, वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, फीवर भी बना हुआ है, भूख चली जाती है, मन नहीं करता कुछ खाने का, और फिर धीरे धीरे टेस्ट और स्मेल भी या तो खराब होने लगती है या चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्मेल जाती नहीं है बट अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, आपको ऐसा लगता है जैसे बलगम की स्मेल है या कुछ सड़ रहा है, ऐसी स्मेलें आने लग जाती है, ये हो सकता है। सीवियर इन्फेक्शन की बात करें तो हाई टू लो ग्रेड फीवर अभी भी चल रहा है, नाक बंद हो जाती है या फिर स्नीजिंग है, खांसी जो है उसमें खड़खड़ है या एकदम जिसे कहते हैं अंदर से डीप खांसी आ रही, गहरी एकदम से खींच के खांसी आ रही है, वैसी खांसी हो जाती है, और साथ में जकड़न, छाती में भारीपन। डे 7 to day 10 मोस्टली माइल्ड केसेस पूरी तरीके से रिकवरी फेज में और रिकवर हो जाते हैं, वीकनेस थोड़ी बहुत रहती है वो धीरे धीरे खाने पीने से ठीक हो जाती है। मॉडरेट के अंदर भी फीवर अब धीरे धीरे चला जाता है, कफ जो है वो कम रह जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन कफ जो है वो फीवर जाने के बाद भी कफ थोड़े दिन रहता है, हल्की खांसी सूखी खांसी रहती है, वीकनेस थोड़ी बहुत रहती है, और अब स्मेल और टेस्ट, अब पेशेंट बताता है कि 7वें या 10वें दिन पे ही डॉक्टर साहब अब मेरा टेस्ट और स्मेल चला गया, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वो एक तरीके से अब वो क्लोजर है, अब वो वहां से वायरस अब जा रहा है, वो 3-4 दिन में टेस्ट और स्मेल भी वापस आ जाता है। सीवियर इन्फेक्शन में अभी भी फीवर चलता रहता है, डे 7 to day 10 तक भी फीवर चलता है। इस बार सेकेंड वेव में ये है कि फर्स्ट वीक से ज्यादा सेकेंड वीक के अंदर ज्यादा खतरनाक सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि फीवर नहीं टूट रहा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग गई, सांस लेने में तकलीफ है, खांसी है, छाती में दर्द है या भारीपन है। डे 11 ऑनवर्ड्स माइल्ड ठीक हो जाता है, मॉडरेट ठीक हो जाता है, सीवियर इन्फेक्शन में शायद हॉस्पिटलाइजेशन या फर्दर मेडिकेशंस या हार्ड मेडिकेशंस की जरूरत पड़ सकती है। हम टेस्ट या डाइट के हिसाब से अगर बात करें तो डे 1 to day 4 में RT-PCR अगर 3 से 4 दिन जैसे हमने बताया अगर है तो ही कराने की जरूरत है। बहुत सारे फ्लूइड्स दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स दीजिए उस टाइम पे, जैसे ही फीवर आए सबसे पहले बहुत सारा पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, ORS, इलेक्ट्रोल जितना हो सके उतना दीजिए। अगर RT-PCR मॉडरेट के केस में भी बात करें, वही 3 दिन के बाद हमें RT-PCR की तरफ सोचना है और बहुत सारे फ्लूइड्स देने हैं, वैसे ही सीवियर में है। शुरुआती तो तीनों का सेम एक्शन है, बाकी बॉडी सबकी डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी। डे 5 to day 6 में मल्टीविटामिंस, कुछ पेशेंट्स खुद से भी मल्टीविटामिंस उस टाइम ले रहे होते हैं, अगर किसी डॉक्टर से संपर्क में आते हैं तो वो नॉर्मल जनरल मल्टीविटामिंस जिसमें विटामिन डी, विटामिन B12, जिंक, आयरन, जो जनरली बॉडी में इंडियंस में वैसे भी कम होता है क्योंकि सब कुछ डाइट से नहीं मिलता और सबकी डाइट उतनी अच्छी भी नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, बाहर की चीजें भी हैं, जंक भी है, तो इसलिए कुछ जो मल्टीविटामिंस हैं उस टाइम पे देने से बेटर रहता है। विटामिन सी की बहुत बात हुई तो विटामिन सी से बेटर है कि आप सिट्रस फ्रूट्स खाइए, आप संतरा, मौसमी और इसके साथ में नींबू पानी पीजिए, उससे बहुत फायदा होगा। ऑयली फूड, फैटी फूड, डीप फ्राइड फूड, ये चीजें अवॉइड कीजिए। ये जनरली भी कोई फीवर होता है तो डॉक्टर यही बोलते हैं उस टाइम पे आपको नहीं लेना चाहिए, और पानी खूब पीना है। यही चीज मॉडरेट में भी है, मॉडरेट में बस इसके साथ में क्योंकि 5 से 6 दिन तक फीवर पूरी तरीके से नहीं गया है तो CBC, CRP, फेरिटिन, डी डाइमर और RT-PCR की वैल्यू के हिसाब से आगे एक्शन हम लेते हैं। सीवियर के अंदर भी अभी तक वही चीज है। डे 7 to day 10 जब हम बात कर रहे हैं तो वही है, हेल्दी फूड लीजिए, प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, सैलड्स लीजिए, इनको ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए। मॉडरेट के अंदर हेल्दी फूड, मल्टीविटामिंस के साथ साथ अगर CT स्कैन कराया है
और सीटी स्कैन तब करवाना है अगर डी डाइमर और फेरेटिन भी बढ़े हुए हैं, सीबीसी भी इंडिकेशन दे रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो जाके कराना है। फेरेटिन कुछ नहीं है, फेरेटिन मतलब आयरन, आयरन लोड अगर बॉडी में बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है अभी डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। बाकी डी डाइमर ये चीजें जब बढ़ रही हैं तो तब देखना है कि क्या करना है इस हिसाब से। सीवियर में मल्टीविटामिन, हेल्दी फूड, पानी तो लेना ही है। सीटी स्कैन अगर है उसके साथ में SpO2 लेवल्स जैसे हमने बताया उसका आपको ध्यान रखना है। डेट एंड ऑनवर्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, सिट्रस फ्रूट्स चलेंगे, मॉडरेट में भी यही है। साथ में आपको क्योंकि कोविड इन्फेक्शन अगर हुआ है, RT-PCR से भी पता चला है या कहीं से भी पता चला है, टेस्ट में आया है, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी है क्योंकि ये वायरस नाक से लेके छाती तक कहीं पे भी हो सकता है, कितना भी डैमेज कर सकता है, उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी करनी जरूरी है। वैसे ही सीवियरिटी जो सीवियर इलनेस है उसमें भी SpO2 को देखते हुए और CT स्कैन को देखते हुए अगर हॉस्पिटलाइजेशन करना है या घर पे मैनेज करना है, जो दोनों केसेस में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से मतलब क्या है, हम सब बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रोज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से मतलब ये है कि ये जब इन्फेक्शन फैल रहा है तो ये इन्फेक्शन कर क्या रहा है, ये चेस्ट में कंजेशन कर रहा है। कंजेशन मतलब चेस्ट हमारा जो छाती होती है, जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर हमारे एयर सैक्स होते हैं जो हमारी एयर एक्सचेंज में मदद करते हैं। हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये जो एल्वियोलाइज जिसे कहते हैं एयर सैक्स जो होते हैं या ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, इनके अंदर कंजेशन फंस जाता है। वैसे भी जब हम ब्रीद करते हैं, जब हम नॉर्मल ब्रीद कर रहे हैं, जब हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो हम ऐसे ही नॉर्मल ब्रीद कर रहे हैं, तो हमारी छाती पूरी तरीके से सिकुड़ के पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं हो रही। हम जब ऐसे सांस लेते हैं तो हम 40% 50% ही नई सांस ले रहे हैं, बाकी 50% जो स्टोर्ड एयर है हम वो ही ले रहे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का मतलब पूरी की पूरी सांस करके अंदर खींचिए, फिर धीरे धीरे उस सांस को छोड़िए, जिससे पूरी की पूरी लंग सिकुड़ के उसमें से सारी एयर पुरानी गंदी बाहर निकले, फिर आप वापस से डीप ब्रीथ करके पूरी की पूरी सांस को अंदर लें। यही चीज है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ये यही चीज बताता है, यही चीज करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये एक्सरसाइज लंग्स को नहीं देंगे, लंग्स के अंदर कंजेशन और लंग्स में वो ब्रीदिंग फंक्शन कम होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इस चीज को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें जनरली भी और पोस्ट इलनेस भी जितना ज्यादा करेंगे उतना ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के अलावा बलून फुला सकते हैं आप। बलून फुलाने में भी आप एक साथ बहुत सारी एयर को बाहर फेंकते हैं और जोर से फेंकते हैं, तो वो जोर से बाहर फेंकने में भी आपकी पूरी की पूरी लंग सिकुड़ती है, फिर आप जब वापस से सांस लेते हैं तो नई एयर भरती है। अब इसके आगे डाइट प्रिकॉशंस की हम बात कर रहे हैं, हमने वहां पे बात करी है। खूब सारा पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, नींबू पानी, नारियल पानी, ORS, इलेक्ट्रॉल, घर का बना हुआ खाना, बाहर का खाना वैसे भी अभी लॉकडाउन में नहीं खा रहे हैं, बट तला भुना भी अभी या मैदा भी अभी नहीं खाना है। रोटी, दाल, सब्जी, सैलड्स जरूर खाने हैं, मैदा ब्रेड्स नहीं खाने, कभी कभार वोमिटिंग्स भी हो रहे हैं उस केस में मैदा और ब्रेड बिल्कुल नहीं खाने, क्योंकि इनको पचने में भी बहुत टाइम लगता है और ये अंदर जाके इवन कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं और हैवीनेस कर सकते हैं। लेमन, ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट्स ये आप ज्यादा से ज्यादा, दही, बटर मिल्क, छाछ, इनके अंदर काला नमक डालने से, काला नमक आपको उसके अंदर वैसे भी अगर कभी वीकनेस की वजह से BP लो हो रहा है तो उसमें भी मदद करेगा। पोस्ट कोविड मैनेजमेंट्स, कोविड तो हो गया, कोविड से रिकवर हो गए ये, या फिर हॉस्पिटल गए सीवियर इलनेस के बाद, हॉस्पिटल से भी ट्रीटमेंट होने के बाद घर आ गए, अब घर पे क्या करना है, पोस्ट कोविड क्या करना है? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे हमने बताई वो रोज करनी है, जितनी हो सकती है उतनी रोज करनी है। बहुत सारा पानी, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लेना, फैटी फूड नहीं लेना। एकदम से मैं ठीक हो गया हूँ तो अब मैं कल से ऑफिस चला जाऊंगा या कल से मैं अपने काम पे चला जाऊंगा या मैं अब चेक करके देखता हूँ कि अब मैं कितना ठीक हूँ या मुझ में कितनी एनर्जी आई है, ये बिल्कुल नहीं करना। ये करते ही बहुत ज्यादा बार पोस्ट कोविड वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई, तो ये बिल्कुल नहीं करना। धीरे धीरे ही बॉडी को वापस से नॉर्मल रूटीन में लाना है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी
पे बिल्कुल चेक रखें कि कहीं आपको वापस से सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही, या आपकी खांसी बहुत लंबी तो नहीं खिंच गई कोविड के बाद भी, या नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी, या आपको स्नीजिंग के एपिसोड्स, छींक बहुत आना, या आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, या फेस पे झंझनाहट, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा जो आजकल टीवी पे चल रहा है, जो आजकल हमें बता रहे हैं पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स, ये उनकी तरफ इशारा ना कर रहा हो, ये भी देखना है। अब हम बात करते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की, क्या क्या चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेट कर रही है पोस्ट कोविड, कोविड होने के बाद क्या क्या कर रहा है। हम टैबुलेटेड फॉर्म में आपको बताते हैं, बाकी इन पे डिटेल डॉक्टर निशा अब आपको बताएंगी। म्यूकर माइकोसिस बहुत ज्यादा अभी न्यूज पेपर्स, आर्टिकल्स, डॉक्टर्स रोज बता रहे हैं, ब्लैक फंगस ये क्या होता है अभी डॉक्टर साहब आपको डिटेल में बताएंगे। ब्लैक फंगस, देन व्हाइट फंगस, एस्परजिलोसिस एंड कैंडिडियासिस, ये दो अलग तरीके की हैं। एस्परजिलोसिस जो हमारी लंग फील्ड को इफेक्ट करती है, कैंडिडियासिस बहुत लोगों को वैसे भी पता होगा, कैंडिडा नाम की दवाइयां भी कुछ लोग लेते हैं जब स्किन पे फंगल इन्फेक्शन आ जाता है, तो ये नॉर्मल वायरस है, इसके अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एकदम से जब कोविड से रिकवर होते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा दवाइयां लेने की वजह से या और अदर ट्रीटमेंट्स की वजह से कभी कभार ब्लड क्लॉट बन जाता है। डी डाइमर जो हम पीछे बात कर रहे थे, डी डाइमर हमें ये बताता है कि बॉडी में कहीं क्लॉट तो नहीं बना। कभी भी बॉडी के अंदर अगर कोई इंजरी हुई है तो वो इंजरी रिपेयर करने के लिए बॉडी क्लॉट बनाती है। क्लॉट बनाने के बाद वो जब क्लॉट बन जाता है उसके बाद वो क्लॉट अंदर ही हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में रहता है और वो धीरे धीरे घुल जाता है। लेकिन अगर ये डी डाइमर बढ़ा हुआ हो तो ये दिखाता है कि क्लॉट की इंटेंसिटी ज्यादा है, और ये क्लॉट अगर बढ़ता है या कोई ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो ये इन्फार्क्ट बना सकता है, मतलब वहाँ ब्लॉकेज बना सकता है, एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक, बहुत सारे केसेस भी हमने सुने हैं। इवन एक रेनाउंड न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट रोहित सदाना जी की भी डेथ हुई, वो भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यही समझा जा रहा है कि वो हार्ट अटैक से हुई कोविड से रिकवर करने के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में आने की वजह से। इसके अलावा तीन और चीजें हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में हमें लगती हैं, इसमें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन होना, बिल्कुल बॉडी में एनर्जी नहीं होना। इवन पेशेंट्स हमारे पास ये आते हैं कि हमें अब इसके बाद पकड़ पकड़ के बाथरूम तक जाना पड़ रहा है, इतनी वीकनेस भी बहुत दिन तक चल रही है। फीवर हुआ, फीवर के बाद ट्रीटमेंट नेगेटिव भी हो गए, उसके बाद भी 4-5 दिन तक, 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक चल रही है, ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ब्रेन फैग, नींद नहीं आना, बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील करना, बिल्कुल आप किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा आपको किसी भी चीज में मन नहीं लग पा रहा, एक जगह नहीं बैठ पा रहे, चिड़चिड़ा सा होना, ये सारी चीजें इनमें आ सकती हैं। एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऑफ कोर्स, जैसे हमने बताया। सो अब आगे ब्लैक फंगस अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा है, इस पे डॉक्टर निशा हमें आगे बताएंगे। चलिए, अब जो आजकल हमारे हम न्यूज चैनल्स पे दिन भर देख रहे हैं, जो हमारी कंट्री में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, थोड़ा उस पर नजर डालते हैं। ब्लैक फंगस क्या है, ये ब्लैक फंगस क्यों आ गया ये, और क्या इससे खतरा है, किनको खतरा है, इन सब चीजों पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले ये ब्लैक फंगस है क्या, इट इज अ रेयर बट वेरी डेंजरस इन्फेक्शन एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन जो कि म्यूकर माइकोसाइट्स एक तरीके के जो फंगस होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जिसे हम कहते हैं कीटाणु होते हैं, जो आम हम ऐसे देख नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, वैसे ही एक कीटाणु होते हैं फंगस। तो इनकी वजह से ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होती है, और जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो पोस्ट कोविड के बाद आ रही है, अब मैक्सिमम केसेस जो आते जा रहे हैं धीरे धीरे, हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि ये बढ़ते जा रहे हैं, दिस इज म्यूकोर माइकोसाइट्स की वजह से जो होते हैं। तो ये क्या हम देख रहे हैं, ये इन्फेक्शन होती कैसे है, ये ऐसा नहीं है कि ये जो फंगस है ये कोई नई इन्फेक्शन नहीं है। जैसे कोविड तो एक ऑल टुगेदर एक नई इन्फेक्शन थी, हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, वो वायरस भी नया था, ब्लैक फंगस वैसा नहीं है, ये कोविड से पहले भी था। बिल्कुल ये जो फंगस होता है ये हमारे आसपास मौजूद है,
ये मिट्टी में होता है, डस्ट में होता है, हमारे आसपास सराउंडिंग्स में, इट इज वेरी मच देयर. बट क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, स्पेशली जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनको ये फंगस कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी जो अपनी शरीर की क्षमता है इनसे लड़ने की वो स्ट्रांग है. बट जिन लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जैसे कि जिन लोगों को कोविड हुआ, मान लीजिए अगर किसी को कोविड हुआ है तो बिकॉज ऑफ द कोविड इटसेल्फ उनकी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हो गई. और अगर कोई ऑलरेडी पेशेंट था जो डायबिटिक था, या किसी को कोई और तरीके की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीज थी, जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट था, किसी को ल्यूकेमिया था, या फिर कोई जिनके क्रॉनिक ऑर्गन फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर वाले पेशेंट्स थे जो कोविड की चपेट में आ गए, अगर इस तरीके के लोग कोविड से सफ़र करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी आप कहिए कि बहुत हद तक गिर जाती है, काफ़ी हद तक. तो हमारे जो मेडिकल सिस्टम में काफ़ी हद तक स्टेरॉइड्स का बहुत यूज़ किया गया, यूज़ या फिर कह सकते हैं अब्यूज़ भी काफ़ी किया गया, मतलब अनटाइमली ज़रूरत से ज़्यादा दिया गया. कोई भी दवाई गलत नहीं होती, बट किसी भी दवाई को गलत टाइम पे और गलत मात्रा में अगर दिया जाए तो वो फायदे से ज़्यादा नुकसान करती है. वही देखा जा रहा है कि इसी तरीके के स्टेरॉइड के यूज़ की वजह से ये ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में सामने आ रही है. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसका इन्वेजन कैसे शुरू होता है, ये जो फंगस के स्पोर्स हैं, सबसे पहले जब हम इन्हें इनहेल कर लेते हैं अपने नेजल एरिया में, जब इनको हम इनहेल कर देते हैं तो ये हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इन्वेड कर जाता है. उसको इन्वेड करने के बाद ये साइनस टाइप सिम्टम्स जो होते हैं, सबसे पहले जैसे नेजल एलर्जी वाले सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे कि छींके, नाक से पानी, ठीक है, नेजल कंजेशन, इस तरीके के. फिर जब ये नाक के बाद पेरानेसल साइनसिस में एंटर कर जाता है, फिर साइनसाइटिस टाइप सिम्टम्स बन जाते हैं. साइनसाइटिस टाइप सिम्टम्स मतलब जैसे जो हमारे पेरानेसल साइनसिस होते हैं, नाक के पीछे का एरिया, इवन जो आँख के पीछे ये वाले जो एरियाज होते हैं, बोनी जो हमारा स्कल स्ट्रक्चर होता है, इनके बीच में कहीं कहीं गैप्स होता है जहाँ वैक्यूम होता है, वहाँ अगर गैस चली जाती है, वहाँ किसी भी तरीके से इन्फ्लेमेशन की वजह से पस चली जाती है, या ये कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर उसमें एंटर कर जाता है, इट कॉजेस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन. तो वही चीज़ ये ब्लैक फंगस कर रहा है, जिसकी वजह से साइनसाइटिस टाइप सिम्टम्स हो जाते हैं. फिर क्या होता है कि ये पेरानेसल साइनस को इन्वेड करने के बाद ये जो ऑर्बिटल बोन होती है उसकी तरफ ये डायरेक्शन करने लगता है ये जो फंगस है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व को भी ये डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से जो आँख से रिलेटेड सिम्टम्स हैं हम आजकल बहुत न्यूज में देख भी रहे हैं ये चीज. सिम्टम्स म्यूकर मिसोसिस के जो होते हैं, ये डिपेंड करता है कि फंगस जिस जगह पे है उस तरीके के सिम्टम्स आते हैं. जैसे मान लीजिए अगर ये ऑर्बिटल बोन को इन्फेस्ट कर जाता है तो उसके बाद ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज करता है. फिर ये सिम्टम्स आप मोस्टली देखें, जो ये जो आईलिड होती है इसके ऊपर एडमा आ जाता है, पर्टोसिस होना, मतलब आपकी जो आँख है वो आपको ऐसी दिखेगी कि बहुत ज़्यादा जैसे बाहर आ गई हो, आँख का ये जो व्हाइट पोर्शन है इसमें रेडनेस आना, या फिर आँख के आसपास डार्क कलर के पैचेस आना, आँख में दर्द आना, आप अपनी आँख को मतलब सूजन की वजह से डायरेक्शन में मूव ना कर सके, ये सब कुछ कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं. इन सब सिम्टम्स को स्पेशली जो कोविड पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं उनको दे शुड बी वॉचिंग आउट दिस सिम्टम्स, थोड़ा उनको अलर्ट रहना चाहिए, उनको देखते रहना चाहिए कि ऐसा कोई भी सिम्टम कहीं आ तो नहीं रहा. तो ये जो म्यूकर माइकोसिस होता है इसके बहुत सारे और सब टाइप्स होते हैं, जैसे थोड़ा सा हमने पहले भी आपको बताया, ये एक तरीके से राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल, इस तरीके से ये ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से अगर ये ऑर्बिटल बोन के बाद सेरेब्रल रीजन में अगर ये एंटर कर जाता है देन इट बिकम्स डेडली, एंड इसको वहाँ के बाद पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए. और जिस भी टिश्यू को ये अफेक्ट करता है उस टिश्यू की ये ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से टिश्यू डेड हो जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स फीडिंग उसी पर ये, या कह सकते हैं उसी के डेड टिश्यू के ऊपर ये और फीड करने लगता है. तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे डॉक्टर्स को सर्जिकली उस पार्ट को निकालना पड़ता है, क्योंकि कोई और चारा नहीं बच जाता. बट डेफिनेटली वो एक डैमेज तो होता ही है, बट देयर इज नो वे आउट, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती बिल्कुल भी डॉक्टर्स को इसको पकड़ने के लिए. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बाकी अगर ये और फॉर्म्स की इन्फेक्शन हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन होती है स्किन में,
तो स्किन में पैचेस आना, जैसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, हाथ में या फिर चेहरे पे कहीं अगर स्किन पे हो तो वहाँ ब्लैक पैच बन जाता है। अगर आपकी ओरल कैविटी अफेक्ट होगी तो हार्ट पैलेट के ऊपर या नेसोफेरिंजियल एरिया जो होता है बिल्कुल अंदर की तरफ, तालू की तरफ, वहां पे आप देखेंगे डार्क पैच बन जाता है। और जो इसके सिम्टम्स आप जो देख सकते हैं, जो हमारा ये नेसल ब्रिज जो होता है यहाँ पर भी एक डार्क पैच सा बन जाना, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये ब्लैक फंगस के हैं। ये इसको ब्लैक फंगस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी जिस भी टिश्यू को ये इन्फेक्ट कर देता है, जिसको भी ये डेड कर देता है, उसके बाद इसमें ब्लैक पिगमेंटेशन आने लगती है एंड इनके स्पोर्स भी जो होते हैं इस फंगस के ब्लैक होते हैं, जिसकी वजह से ही ये पिगमेंटेशन इस तरीके का इसमें आता है। और भी इसके जो वेरिएंट्स हैं इस इन्फेक्शन के, इट कैन इवन अफेक्ट द लंग्स में भी जा सकता है, स्टमक में भी जा सकता है, और जिस भी रीजन में ये जाता है फिर उस तरीके के सिम्टम्स हैं जैसे बेली पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग्स, ब्लड इन योर स्टूल। ये भी देखा गया है कि जो डिस्चार्जेस होते हैं इन पेशेंट्स में, जैसे ब्लैक फंगस के पेशेंट्स जो भी हैं और उनको वॉमिटिंग होती है वो डार्क होती है, उनको नेजल से कोई डिस्चार्जेस होते हैं उसमें भी कुछ जैसे रेड रेड मरून खून जैसा इस तरीके के डिस्चार्जेस देखे जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ब्लैक फंगस के होते हैं, इनको थोड़ा वॉच आउट करना जरूरी होता है। अब कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं? बहुत लोग, क्योंकि इसके इसको लेके काफी कंफ्यूजन लोगों में फैला हुआ है कि क्या हमें तो नहीं हो जाएगा, किसको हो सकता है, क्या हमें किसी और से फैल सकता है, तो थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे ये जो इन्फेक्शन है इसका टाइप ही होता है, इट इज एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मीन्स अगर आप इस इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिटी देंगे तो ही आपके अंदर आएगा, अदरवाइज ये आपको कुछ नहीं करेगी, ठीक है। तो जितने भी हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, जिनको अदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई उनका जिसे कहते हैं ट्रांसप्लांट्स नहीं हो रहे कि लिवर किडनी की फंक्शन बिल्कुल अच्छी है, कोई वो ऐसे स्टेरॉइड्स या हार्ड मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई इसका ऐसा कोई खास खतरा नहीं है, उनकी बॉडी में अच्छी खासी क्षमता है कि वो इससे लड़ सकती है। बट जिन लोगों के पास ये क्षमता नहीं है, जैसे डायबिटिक्स भी कौन लोग, वो जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो। अब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हम किसे कहते हैं, जैसे नॉर्मल लिमिट्स हमें पता है कि फास्टिंग टू बी ऑन अ सेफ साइड 150 से नीचे नीचे, और जो पीपी होती है वो 200 से नीचे नीचे होना चाहिए। अनकंट्रोल्ड मतलब 300-400 इससे भी ज्यादा जब रीडिंग्स जाने लगती हैं, दैट मीन्स के जो शुगर का लेवल है ब्लड में वो बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया है, अब बॉडी इसको मतलब सेल्स इसको टेकअप नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो फंगस होता है ये इस शुगर पे फीड करना शुरू कर देता है। जैसे आप देखते ही हैं कि वैसे भी अगर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी जो और उनको एक डायबिटिक फुट एक कॉम्प्लिकेशन होती है, या अदरवाइज भी उनको अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर अगर कोई एक नॉर्मल कट भी लग जाता है उसको हील होने में टाइम लगता है, या फिर उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन जल्दी होती हैं, वो इसी रीजन से होती हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो शुगर का लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है उसके ऊपर फंगस या इन्फेक्शन जो होती है बैक्टीरिया वो बहुत आसानी से फीड कर सकता है, उसको ग्रो करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी लेवल्स को हमेशा चेक करते रहें, उसको मेंटेन रखें, अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से बिल्कुल टच में रहें। सिर्फ कोविड के टाइम ही नहीं, कोविड होने के बाद इवन अगर आप नेगेटिव हो गए हैं तो भी उसकी कम से कम 1-1.5 महीने तक आपको प्रिकॉशंस बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और जो भी आपकी मेडिकेशंस होती हैं, अगर मान लीजिए आप पिल्स मेडिकेशन पे हैं या इंसुलिन पे हैं, तो उसको खुद से उसकी डोजेस को कम या ज़्यादा मत कीजिएगा, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इन दवाइयों की कम ज़्यादा या रोक देना इनमें से कुछ भी मत कीजिएगा। अब इसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, जो ब्लैक फंगस है इसका कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा केसेस नहीं हुए हैं, बहुत कम टाइम में ही केसेस आने लगे हैं, तो इसके लिए जो भी इसके डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, अभी इसके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं, जो भी डॉक्टर्स बेस्ट कर पा रहे हैं वो अपने एंड पे कर पा रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए एक आधा कुछ भी सिम्टम, कोई ब्लैक पैच कुछ भी ऐसा नजर आता है, अपने डॉक्टर को बताइए, वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं प्रॉपरली, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, टू लुक आउट फॉर अगर कोई ब्लैक पैचेस हैं, अगर साइनसिस में इन्फेक्शन जा चुका है, अगर साइनसिस में फ्लूइड भर चुका है तो बायोप्सी की जाती है, और अगर
उससे भी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। अगर ये शक आता है कि लंग में तो नहीं चला गया या ब्रेन में चला गया हो, तो उसके लिए सीटी एमआरआई ये करना पड़ता है, ये वाले इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं। ट्रीटमेंट इसके जैसे आप देख ही रहे हैं, डॉक्टर्स आजकल इसमें एंटीफंगल ड्रग्स वगैरह दे रहे हैं, बट क्योंकि ये इन्फेक्शन इतना फास्ट है, विद इन आवर्स इट इज ट्रैवलिंग टू फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर, इट इज गिविंग यू नो टाइम। इसीलिए टू जब पता चल पाता है इस इन्फेक्शन का, काफी देर हो चुकी होती है एंड सर्जरीज करनी पड़ रही है, हम दे रहे हैं, देख रहे हैं आए दिन टीवी में, आईज जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है पेशेंट की, तो इसलिए थोड़ा सा वॉच आउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। अब इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से जो हो रही है, ब्लाइंडनेस, ब्लॉक्ड वेसल्स, नर्व डैमेज, क्योंकि जो वायरस है वो जिस पार्ट को इफेक्ट कर देता है वो टिश्यू को वो डेड कर दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर वो ऑप्टिक नर्व को करता है तो फिर हमारा विजन खराब होना, लॉस ऑफ विजन होना, बहुत कितने पेशेंट्स में ये चीजें आ रही हैं। और अगर ये ब्रेन में चला जाता है, उस वहां नर्व डैमेजेस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस ऐसे सिम्टम्स भी देखे जा रहे हैं, आधा साइड लोगों का चेहरे का उसमें कितने तरीके के जैसे पैरालिसिस टाइप चीजें हो रही हैं, तो ये सब ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में ये चीजें देखी जा रही हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, जितने भी हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें इन्फेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है अगर हम हेल्दी हैं, फिर भी इट इज आवर ड्यूटी कि हम पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स लें। तो जिस भी सोर्सेज हैं इसके फंगल इन्फेक्शन के, इस फंगस जहां भी पाया जा सकता है, जैसे कि सॉइल, मिट्टी, डस्ट, ऐसी चीजों को दूर रखें, ऐसी चीजों से दूर रहें। अगर आप एक्सपोजर होता है आपका इन चीजों से, तो मास्क का यूज करें, इट्स वेरी नेसेसरी। पानी, जो पानी होती पीने का पानी, इवन जैसे घर में अगर आप कूलर्स वगैरह हैं, समर का मौसम है, कूलर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर है, तो ये चीज को ध्यान में रखें, कहीं भी डैम्पनेस, कहीं भी कंजेशन, ह्यूमिडिटी, ये चीजों का अक्यूमुलेट होने बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें फंगस को घर करने में बहुत हेल्प करती हैं। अपने पीने का पानी जो होता है बिल्कुल मेक श्योर कीजिए बिल्कुल साफ हो, बाहर रखा हुआ, इवन पानी में बहुत ज्यादा पुराना मत दीजिए। अपना अच्छा हाइजीन, सैनिटाइजेशन, क्लीनलीनेस ऑन पर्सनल लेवल, पब्लिक लेवल, दोनों चीजों पे ध्यान दीजिए। मतलब हमें अपनी सफाई रखनी है, अपने घर की सफाई रखनी है, अपने आसपास भी सफाई रखिए, और हवा, सनलाइट, इनको अपने घर में जरूर एकदम, क्योंकि कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि लोग इतने डर गए हैं कोविड की वजह से कि अगर उनके आसपास घर में किसी को है, अगर उन्होंने सुना कि उनके मोहल्ले में किसी को कोविड हो रखा है, तो लोगों ने अपनी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके ताकि उनको इन्फेक्शन कहीं से ना आ सके। ये हर किसी की नहीं, बट बहुत लोग जो काफी डर या दहशत में है, दे आर डूइंग सो, तो ऐसा मत कीजिएगा। हवा, धूप, ये सारी चीजें जो एसेंशियल नेचुरल चीजें होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। और जितनी भी अगर हमारे घर में कोई खुली सब्जी, कोई फ्रूट, ब्रेड वगैरह कुछ भी चीज पड़ी रह जाती है जिसपे थोड़ा बहुत भी आप देखते हैं उस पर मोल्ड्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल उसको एलिमिनेट कीजिए। ऐसी कोई चीज बाहर रखी हुई, कटी हुई, बिल्कुल मत खाइएगा, तो इन चीजों का खास ध्यान रखिए। और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, मतलब आपको कोविड नहीं है बट आप डायबिटिक हैं, आपने कोविड से सफर नहीं किया बट आप एक किडनी पेशेंट हैं, आप एक कैंसर पेशेंट हैं, तो कोविड ना भी हो पर आपको म्यूकोरमाइकोसिस होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो इससे बचे रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो भी सोर्सेज हैं फंगस के, प्लांट्स का काम हो गया, सॉइल का काम हो गया, गार्डनिंग, ऐसी चीजें आप मत कीजिए, डस्ट, सफाई वगैरह, बहुत ज्यादा चीजें, ये वाले काम आप अवॉइड कीजिए, और जितना हो सकता है अपने आप को एक्स्ट्रा थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, तो वो जरूर कीजिए आप। अब ये फंगस की क्राइसिस जो स्पेशली देखा गया कि ये हमारी ही कंट्री में हुई है, बाकी कंट्रीज में भी ये एपिडेमिक कितना फैला है, काफी सीवियर जैसे बाकी देशों में भी हुआ है, बट वहां ये फंगस का इन्फेक्शन इतना ज्यादा नहीं हुआ। Why in India? यहाँ इतना क्यों हुआ है, तो थोड़ा उस पर भी रोशनी डालते हैं, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर किसी के भी कोई डाउट्स हैं आप प्लीज चैट बॉक्स में ना डाल दीजिए, फिर जैसे ही हमारी ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है हम एक एक करके डाउट्स लेंगे। ये फंगस क्राइसिस क्यों हो गया, आप खुद सोचिए, एकदम से न्यूज आर्टिकल्स और सब जगहों पे कोविड के साथ साथ फंगस के बारे में आने लगा, एंड देखते ही देखते विद इन 4-5 days इतनी सीवियरिटी में इतना ज्यादा ये एकदम से कैसे फैल गया।
अनटाइमली एंड एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया स्टेरॉइड्स अच्छी दवाई है, स्टेरॉइड्स मैजिकल पिल है फॉर एलोपैथिक डॉक्टर्स, बट देन इवन डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि अगर उसका टाइमली यूज नहीं किया गया या फिर उसको बिना डॉक्टर की एडवाइस के ले लिया गया, अगर डॉक्टर ने चार दिन के लिए बताया है आपको पूरी तरीके से ठीक फील नहीं हो रहा, आपने चार और दिन ले लिए, अगर उन्होंने जिस मात्रा में बताया आपने उससे ज्यादा ले लिया या पहले से ही शुरू कर दिया। एक और चीज बहुत सारे पेशेंट्स के साथ होती है, फैमिली में किसी को हुआ, उनको उनकी सीवियरिटी की वजह से डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स और बाकी दवाइयां लिखी, दूसरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और उसने सोचा कि यार क्या डॉक्टर से अभी बात करूं, डॉक्टर्स भी बिजी हैं, तो वही प्रिस्क्रिप्शन उठा के खुद से लेना शुरू कर दिया। जो चीज जो ट्रीटमेंट जिस टाइम पे दिया जाता है वो टाइम पे ना लिया जाए और उससे ज्यादा लिया जाए। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, कुछ ड्रग्स इस टाइम पे यूज ऐसे हो रहे हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम से बॉडी की जो लड़ाई है उसी में बॉडी ज्यादा परेशान हो रही है। आगे अभी डॉक्टर बताएंगे ये चीज क्यों हो रही है, लेकिन ये वाले ड्रग्स ज्यादा लेने से ये प्रॉब्लम ज्यादा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया डायबिटीज, डायबिटिक्स के बारे में इतना आ रहा है कि डायबिटीज वाले ध्यान में रहे, डायबिटीज में वैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, ऊपर से कोरोना वायरस ने उस बॉडी की इम्यूनिटी को और ज्यादा तोड़ा। इम्यूनिटी क्या है, बॉडी की रोग से लड़ने की क्षमता, उसको और ज्यादा तोड़ा। ऊपर से स्टेरॉइड्स, जिसने COVID-19 से लड़ने में हमारी हेल्प करनी थी, वो उसके ऊपर और ज्यादा फ्यूल का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स बॉडी में दिए जाते हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम को शांत करने के लिए, लेकिन जब ये चीजें होती हैं और इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ये फंगस को एकदम से अपॉर्चुनिटी, एकदम से मौका दे देता है वहां पे ब्रीड करने का और बॉडी के अंदर एंट्री लेने का। मल्टीविटामिन्स, आयरन, जिंक सप्लीमेंट्स, अब ये भी पिछले दो दिन से बहुत ज्यादा स्टडीज में आ गया है कि आयरन और जिंक सप्लीमेंट्स ज्यादा लेने से भी प्रॉब्लम है। 10 से 15 दिन का कोविड इन्फेक्शन होता है उसमें बहुत लोगों को मल्टीविटामिन्स एडवाइस किए जाते हैं, बहुत लोग किसी और बीमारियों के लिए वैसे भी मल्टीविटामिन्स लेते हैं, पर वो तीन तीन चार चार महीनों तक ले रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं करेंगी, मल्टीविटामिन ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं है, मल्टीविटामिन्स भी कोई भी चीज की एक्सेस अच्छी नहीं है। जिंक, जो जिंक सप्लीमेंट्स में जो जिंक होता है वो ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर है फंगस के लिए, वो फंगस को और बढ़ावा देता है ग्रो करने के लिए। फंगस के साथ में ये जो हमारा फेरेटिन है, आयरन जो है, वो भी जब बढ़ेगा, वो जो फंगस है, जो म्यूकॉइड, ये जो म्यूकर वाला फंगस है, ये फीड करता है आयरन पे, तो ये दोनों चीजें उल्टा हमारी बॉडी को ज्यादा हार्म कर जाती है। सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन अगर आसपास नहीं है, आपने फिर से जैसे फर्स्ट वेव के बाद हम लोगों ने जितना ध्यान देना शुरू किया, सेकेंड वेव के बाद शायद उतना ध्यान जैसे नहीं दे रहे हैं, पहले सब्जियां भी हम धो के बाहर रखते थे, हर चीज को सैनिटाइजर से यूज करके फिर ही अंदर लेके आते थे, अब वो उस हिसाब से या उतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जहां गंदगी आई वहां फंगस वैसे भी आ जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल, कोई चीज अगर बाहर पड़ी रह जाए, खाने की भी चीज जब बाहर पड़ी रह जाए, तो वो भी तो जैसे कहते हैं ना, सड़ गई, उस पर फंगस लग गई, ये वही चीज है एक तरीके से। ये बहुत एक स्टडी में अभी आया था, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स के अंदर जो पानी यूज होता है, जो वाटर यूज करते हैं जिससे ऑक्सीजन पेशेंट को दी जाए, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके लोग लाइन में लगे थे, आप सबने देखा, तो वो लाइन में लेके जो लगे होते हैं यूजुअली वो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल नहीं इस्तेमाल कर सकते जो हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से सिलेंडर्स आते हैं, और वो पानी जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स के अंदर यूज होता है वो भी बहुत बार जो सैनिटाइज स्टरलाइज वाटर यूज होता है वो वैसा डिस्टिल्ड वाटर अगर नहीं यूज हुआ और टैप वाटर यूज हुआ, वो गंदा पानी ऑलरेडी वायरस को कैरी कर रहा है, और जब हमने उसको ऑक्सीजन मास्क में लगा के पेशेंट को दिया, वहां से भी वो आगे नाक के अंदर जाके बैठ जाएगा। हम क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी पहले ही लो है, तो हमें इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स में पता ही नहीं चलता कि फंगस बॉडी में घुस गया है। डैम्प और ह्यूमिड कंडीशंस,
जैसे अभी बारिश का मौसम है या वैसे भी जो ह्यूमिडिटी, जो ये ऑक्सीजन वेपर्स, क्योंकि लिक्विड वेपर्स फॉर्म में दी जाती है, उस ह्यूमिडिटी से भी फंगस के लिए एक ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। डोंट लेट योर गार्ड डाउन किसी भी तरीके से। अभी हमें थक के बस हम जंग जीत चुके हैं, बैठना नहीं है। कोविड से रिकवर हुए पेशेंट्स को भी पूरे अलर्ट रहना है, कम से कम एक महीना, एक महीने से भी ज्यादा। नेगेटिव हो गए उसके बाद भी सिम्टम्स आ सकते हैं, अगर आपने ड्रग्स लिए हैं हो सकता है आप में सिम्टम्स आए, जरूरी नहीं है सब में होगा लेकिन हो सकता है। अच्छी आपको करना क्या है, आपको अच्छी हाइजीन रखनी है, आपको सैनिटाइज करके चीजें फिर भी यूज करनी है, फिर भी आपको ऐसे ही बिहेव करना है जैसे आसपास कोरोना है और मुझे फिर हो सकता है या किसी और को हो सकता है। कोई भी सिम्टम्स आए जैसे जो हमने बताए, डॉक्टर साहब ने अभी जो सिम्टम्स बताए वो उन पे बिल्कुल ध्यान रखना है एक पोस्ट कोविड पेशेंट को। शुगर लेवल्स को अपने नॉर्मल रेंज या एक बार बार चेक करके एक जो आपकी रेंज चलती है उसके आसपास ही रहे। अबव अलार्मिंग स्टेजेस जो 200-300 के ऊपर होती हैं वहां ना आए। खुद से मेडिकेशन नहीं करनी है, किसी भी तरीके की मेडिकेशंस अपने हिसाब से खुद से, जैसे हमने बताया दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन, ये सब नहीं करना। बिना डॉक्टर की ना तो दवाई शुरू करो ना दवाई खत्म करो। जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया है उसी तरीके से दवाइयां स्टार्ट कीजिए, उसी तरीके से दवाइयां खत्म कीजिए। स्टेरॉइड्स जैसे लिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स एक स्ट्रॉन्ग ड्रग है, जब उसको बंद भी करना होता है उसका भी एक तरीका है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके कम किया जाता है। ना तो एक झट से ले लेना है ना झट से छोड़ना है। जैसे भी कोई छोटा सा सिम्टम आए इमीडिएटली आप डॉक्टर से बात करें। फंगस के केसेस में बहुत जल्दी से ये सिम्टम्स एडवांस हो रहे हैं, इसलिए बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करें अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे। एजेंडा में हमारी थर्ड चीज है वाइट फंगस, इसके बारे में आप डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जैसे ब्लैक फंगस के साथ साथ ही एक वाइट फंगस भी नई एक चीज शुरू हो गई, बट जो मोस्टली केसेस आ रहे हैं उनमें ब्लैक फंगस को ही एज अ कॉज देखा जा रहा है, बट कुछ केसेस में ये भी एक फाइंडिंग आ रही है। तो ये भी एक क्वेश्चन उठ रहा है कि वाइट फंगस क्या है, क्या ये भी डेंजरस है, क्या ये भी डेडली है, क्या इसके लिए भी हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। तो थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालते हैं। वाइट फंगस या फिर जिसे हम इसके एस्परगिलोसिस भी वाइट फंगस होता है, कैंडिडा एल्बिकेना इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन वाइट फंगस। तो ये जो फंगस है ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई अनकॉमन या रेयर नहीं है, ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो हम में से ऑलमोस्ट सभी कोई किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे हुई है, कहीं भी, मोस्टली स्किन पे देखी जाती है, मोस्टली प्राइवेट पार्ट्स पे काफी लोगों को ये इन्फेक्शन होती है, स्पेशली जैसे जहाँ भी हॉट ह्यूमिड कंडीशन होती है बॉडी में, फोल्ड्स ऑफ स्किन, वहां पे ये फंगस आसानी से अपना घर बना लेता है। देन जो छोटे बच्चे होते हैं जो बॉटल फीडिंग जिनको कराई जाती है बिकॉज ऑफ द बॉटल, उनका जो निपल होता है क्योंकि वो काफी डैम्प गीला रहता है, उस वजह से भी कई बच्चों को माउथ में वाइट फंगस की प्रॉब्लम आती है, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आराम से ठीक भी हो जाती है। तो सिमिलरली इसी तरीके से ये वाइट फंगस के भी कुछ केसेस आए हैं। तो कई डॉक्टर्स का तो मानना है कि वाइट फंगस इतना खतरनाक नहीं है, बट कुछ फाइंडिंग्स की वजह से ये देखा गया है कि वाइट फंगस को भी अगर जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं उन पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में, कोविड पेशेंट्स में, कैंसर पेशेंट्स में, ऐसे पेशेंट्स में अगर एंट्री मिल जाती है तो ये भी डेडली हो सकता है। इसके लिए भी वही चीज़ है कि जो प्रोन पॉपुलेशन है वही लोग, डायबिटिक, लो ऑन इम्यूनिटी पीपल टेकिंग स्टेरॉइड्स फॉर लॉन्ग, तो उन्हीं लोगों को ज़्यादा इससे खतरा है। इसके सिम्टम्स जो देखे गए हैं, जो अभी जो रिसेंट केसेस है उसमें देखेंगे कि इसके सिम्टम कुछ कुछ कोरोना जैसे हैं, नेजल ब्लॉकेज, फीवर का आना, चेस्ट में टाइटनेस, कफिंग होना, ब्रेथलेसनेस, तो ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। और अगर ये स्किन पे क्यूटेनियस कहीं पे अगर ये अटैक होता है इसका, तो वहाँ पे वाइट पैचेस फॉर्म हो जाते हैं। तो इसके अभी जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, कुछ कुछ जो इसके भी इन्वेस्टिगेशन हैं सेम तरीके से ही हैं, एक्सरे सीटी स्कैन है एंड पेशेंट्स आर गिवन एंटीफंगल मेडिकेशन फॉर दिस ऑल्सो। Now, how to avoid ये ब्लैक और वाइट फंगस दोनों को इन जनरल, मतलब फॉर एवरी पॉपुलेशन, फॉर बच्चों से लेके बड़ों तक, हम क्या करें जिससे हम इससे बचे रहें।
सबसे पहले जैसे हम बार बार बता रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करना है, हमें इम्यून सिस्टम को अपना अच्छा रखना है, इम्यून सिस्टम अच्छा रखने के लिए अच्छा खाना है, फ्रेश खाना है, गंदगी से दूर रहना है, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। स्टेरॉइड्स जैसे हमने बताया कोविड ट्रीटमेंट के टाइम पे, वो अगेन अगर हम बोलते हैं कि हम डॉक्टर की एडवाइस के साथ लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्टेरॉइड शुड बी गिवन ओनली व्हेन द ऑक्सीजन लेवल्स गो डाउन एंड निमोनिया अकर्स, वही है, जल्दी यूज जैसे मैंने बताया या अनवाइजली यूज कैन बी अ प्रॉब्लम। हम थोड़ा सा बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जैसे क्योंकि ये जो पूरा माहौल चल रहा है, एक आइसोलेशन होना, दूसरा लॉकडाउन होना, बाहर ना जा पाना, तो एक बहुत एक जैसे कह सकते हैं डल ग्लूमी तरीके का एनवायरनमेंट हम सबके लिए क्रिएट हो चुका है। तो हाउ टू फाइट दिस बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग सिनेरियो, एक मेंटल हेल्थ भी एक हमारे लिए चैलेंज बन गई है फॉर एवरी वन, फॉर किड्स, फॉर यंगस्टर्स, फॉर एल्डरली पीपल। तो इसको हम कैसे टैकल करें, स्पेशली जैसे जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स उनका जो एक स्कूल का रूटीन होता है, जो एक शेड्यूल होता है, सोने का, खाने का, पढ़ने का, खेलने का, उसको मेंटेन रखें, कभी भी खाना, कभी भी सोना, इस चीज को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। तो अगर हम बच्चों के लिए हर चीज का एक टाइम बांध के रखेंगे तो उनको नहीं महसूस होगा कि हमारे ज्यादा कुछ हमारे रूटीन में चेंज हुआ है। बच्चों को टाइम दें, उनके साथ खेलें, उनके साथ उनकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। और अगर कोई ऐसे साइंस आपको नजर आते हैं बच्चों में भी, क्योंकि हो रहा है चिड़चिड़ापन, बेवजह रोना, इरिटेशन, अगर इस तरीके के साइन एंड सिम्टम मिलते हैं तो अपने फिजिशियन से बात कीजिए। अब जैसे जो यूथ है हमारी, यूथ का जो ये टाइम है होता है सबसे ज्यादा, इट्स अ टाइम जिसमें उनकी एनर्जी सबसे ब्लूम पे होती है, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम बाय बीइंग डिप्रेस्ड और बाय बीइंग इन अ जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन में आकर भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इट इज द टाइम कि वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करें, अपनी एक जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया के रस्ते या जिस भी तरीके से वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें, और ये सारी जो नेगेटिविटीज होती हैं इसको अपने ऊपर हावी मत होने दें। अब एल्डरली लोगों की बात करें तो जैसे जो लोग अब रिटायर्ड लोग होते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनकी जो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ है वो बिगड़ गई है, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो गई है। सबसे ज़्यादा उन्हीं को बोला जाता है कि आप बाहर मत जाओ, आप छोटे छोटे काम के लिए भी बाहर मत जाओ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डाइवर्ट योर इंटेंशन टूवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। तो आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें जो कभी करना चाहते थे पर कभी नहीं की, जैसे सिंगिंग, राइटिंग, ड्राइंग, नॉवल्स लिखना, तो अपने आप अटेंशन को, अपनी एनर्जीज को उधर डाइवर्ट करें। दैट विल गिव यू अ जिसे कहते हैं अंदर से एक ज़ील, एक एंथुसियाज्म को फिर से क्रिएट कीजिए। क्या हो गया, हम सबकी एक एक्साइटमेंट, एक एंथुसियाज्म, एक जैसे उत्साह होता है वो बहुत कम होता जा रहा है इन दिस ऑनगोइंग सिनेरियो। तो इस चीज को, इस फीलिंग को आप ऐसे बिल्कुल डेड मत होने दीजिए, अपने आसपास के लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। जो नेगेटिव चीजें होती हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्रेमेटोरियम ग्राउंड की फोटोज आ रही हैं, यही चीज हम न्यूज में भी देख रहे हैं, यही चीज हम मोबाइल पे भी देख रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनसे हम यही न्यूज भी सुन रहे हैं कि समवन पास्ड अवे या ऐसी चीजें। ठीक है, वी नीड टू बी अलर्ट, वी नीड टू बी जो भी अपडेटेड रहना टाइम के साथ जरूरी है, बट न्यूज चैनल्स के लिए उनको तो अपनी न्यूज सेल करनी है, तो पूरा टाइम न्यूज चैनल्स देखना बिल्कुल ये मत कीजिएगा। फिक्स अ टाइम, उतने ही टाइम आप गेट एक्सपोज टू द मीडिया, गेट एक्सपोज टू द सच काइंड ऑफ न्यूज एंड एंगेज योर सेल्फ इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। एक जो बहुत बड़ा जैसे जिसे हम कह सकते हैं बहुत आम भाषा में कि अगर हम अपना नजरिया बदलेंगे तो सामने का नजारा अपने आप बदल जाएगा। अगर हम अपनी थिंकिंग के तरीके को बदलेंगे तो हमें अडेप्ट करने में तकलीफ नहीं होगी। एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हम घर में लॉक्ड हैं तो हमें बुरा भी लगेगा, हमें चिड़चिड़ापन भी आएगा, हमें बाहर जाने का मन भी करेगा। बट अगर हम अपनी थिंकिंग में, हम अपने जहन में इस बात को डालें कि हम घर में लॉक्ड नहीं है, हम घर में सेफ हैं, तो हमें कंफर्टेबल भी लगेगा, हमें बल्कि एक सिक्योरिटी घर के अंदर ज्यादा फील होगी। तो इस तरीके से हर सिचुएशन में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको देखने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव की तरफ मत भागिए, ऐसे इनपुट्स को थोड़ा सा स्टॉप लगाइए। और अगर कुछ भी आप पॉजिटिव चीज क्रिएट करते हैं उसको स्प्रेड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज कीजिए, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे आसपास में स्प्रेड हो।
बस कंक्लूड करना चाहते हैं, बस ये लास्ट हम ये बताना चाहते हैं, आज हमारे साथ में मैम ने बताया था कि स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं काफी, तो यूथ का क्या रोल हो सकता है ये कोविड की लड़ाई के अंदर? यूथ का एक बहुत अच्छा रोल है। एक पहली सबसे बड़ी बात कि हमेशा टाइम्स ऐसे नहीं रहने वाले, टाइम्स बेटर होंगे, हम स्कूल्स कॉलेजेस सब खुलेंगे, सब अपने जगहों पे जाएंगे, एकदम से ढिलाई नहीं रखनी है। बस अपने आसपास तब भी सफाई रखनी है, अपने आसपास तब भी लोगों को भी एजुकेट करना है कि मास्क पहने, सैनिटाइजेशन और सारी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, जहाँ जैसा प्रोटोकॉल है वहाँ वैसा एक्ट कीजिए, कहीं भी शॉर्टकट लेने की कोशिश ना कीजिए। अगर कहीं बोला हुआ है कि कहीं कोई टेस्ट करा के जाना है या कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आना है, तो प्लीज 2 मिनट बचाने के लिए अपनी लाइफ को और बाकियों की लाइफ को रिस्क पे मत डालिए। ये यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग करेक्ट इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए वेरीफाइड सोर्सेज से और लोगों को स्प्रेड कीजिए। जैसे हमारे घर में हाउस हेल्प मेड्स आती हैं या कहीं भी हम काम करने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जैसे लोअर स्ट्राटा के लोग जो होते हैं वो इतनी इन्फॉर्मेशन पे आजकल जो चल रहा है दे आर नॉट अपडेटेड विद दीज थिंग्स, वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। बट आप ये चीज़ें चाहे आप एक एक कोई उठा ले कि हाँ मैं इसको एजुकेट करूँगा, मैं इन दो लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करूँगा, तो इससे बहुत इन्फॉर्मेशन जो है हमारे हर टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल में फैलेगी। जैसे सिंपल बीमारी की इन्फॉर्मेशन, करेक्ट सैनिटाइजेशन की इन्फॉर्मेशन, मास्क ग्लव्स इनको करेक्ट तरीके से पहनने की इन्फॉर्मेशन, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, खुद भी समझें और आप यंग लोग हैं आप और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए। और जैसे कि एक बहुत बड़ा चेंज जो हमारे लाइफस्टाइल्स में आ गया है कोरोना के बाद कि हर चीज ऑनलाइन हो गई है, डॉक्टर ऑनलाइन है, स्कूल ऑनलाइन है, कॉलेज ऑनलाइन है, शॉपिंग ऑनलाइन है, बट जो लोग जैसे एल्डरली लोग, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, जो लोग दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद द सिस्टम, वो लोग, उन लोगों को ये ऑनलाइन चीजें बहुत अच्छे से नहीं आती। तो ये रूह यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर के बड़े लोगों को ये चीजें सिखाएं ताकि वो किसी भी अपडेटेड चीज से पीछे ना रह जाएं और ना ही किसी गलत इन्फॉर्मेशन के पीछे उनका किसी तरीके का नुकसान हो। क्योंकि हमने हाल फिलहाल में भी देखा है, ऐसा हुआ है कि जो फॉल्स कंपनीज हैं या धोखाधड़ी बहुत हुई है इंजेक्शन या काफी कुछ बेचने, स्टेरॉइड्स मेडिसिन बेचने के कोड में लोगों से पैसे तो ले लिए और बाद में पता चला देवर फ्रॉड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू एजुकेट आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि अब ऑनलाइन का ही जमाना है और आगे आने वाले काफी टाइम तक ये प्लेटफॉर्म को हम और ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए यूज करेंगे। तो छोटी छोटी चीजों के लिए बैंक में जाना, छोटे से चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना, रादर देन फिजिकल विजिट, हम ऑनलाइन ये सब चीजें कर सकते हैं। बस हम अब कंक्लूड करेंगे, अब किसी के भी कोई क्वेश्चन हो तो वो हमसे पूछ लें। श्रुति मैम अब आप यू कैन टेक ओवर। तो थैंक यू वेरी मच, हमें लगता है कि शायद आपको कुछ इस प्रेजेंटेशन से और हमारे बताने से कुछ हेल्प मिली हो, बाकी कोई डाउट्स हैं तो आप जरूर हमसे पूछें। आपने सब कुछ इतना डिटेल में बताया है, मुझे लगता है कि कोविड के विषय में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, इन सब के विषय में कैसे पहचान करनी चाहिए, क्या सिम्टम्स हैं, क्या रोकथाम है, कैसे रोकना है, क्या यूज करना है, हेल्थ के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में बहुत ही डिटेल में आपने बताया है। फिर भी दिव्यांशा जी, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो हम ले सकते हैं, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो या तो रेज हैंड का ऑप्शन है इसमें, अपना रेज हैंड कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। दिव्यांशा जी आप क्वेश्चन ले सकते हैं एक बार। दिव्यांशा आपको आवाज आ रही है मेरी? तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार रेज हैंड करेंगे तो मैं उनका नाम ले लूंगी। आप करिए श्रुति जी। हाँ, एक मनोरमा गुप्ता जी हैं, उनका क्वेश्चन है। मनोरमा जी अगर आप क्वेश्चन कोई है तो आप पूछ सकते हैं। मनोरमा जी हाँ, आप अपने अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? सुशील जी क्या आपने, हमने सबको
म्यूट कर दिया है क्या? क्वेश्चंस के लिए रेज हैंड हो रहे हैं, एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अपने को आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? सुशील जी, एक डॉक्टर शांतनु एक मिनट रुकना पड़ेगा। जी जी जी, नो प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि आपको आवाज़ हेलो मैडम, मैं मनोरमा का हस्बैंड बोल रहा हूँ। जी मैडम, यस मैम एक्चुअली मुझे कोविड हो गया था और उसके बाद मेरा लंग्स में कंजेशन आ गया था। हेलो, हाँ जी सर, तो मेरा सीटी 17 आया था और आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 14 डेज एंड आई रिकवर्ड फ्रॉम देयर। और अभी सर जो मैंने वहाँ पर भी एक्सरसाइज करी और मुझे मतलब बिल्कुल ठीक फील हो रहा है और मैं स्पायरोमीटर भी कर रहा हूँ, तो 5-5 मिनट का जो टाइमिंग है वो मैं पूरा कर रहा हूँ और मेरी तीनों बॉलें भी उठ जाती हैं और वैसे भी मेरी एक्सरसाइज जो है वो ठीक हो रही है, लंग्स मेरे फिल होते हैं। मैं अभी इस टाइम 40 से 45 सेकंड तक अपनी सांस रोक लेता हूँ इसलिए। तो सर मैं ये जानना चाहता था, जैसे मैं हल्की हल्की एक्सरसाइज में सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट, क्योंकि मेरे जो लेग्स हैं, सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता हूँ तो चढ़ा जाता है लेकिन अभी वीकनेस है लोअर पार्ट में, क्योंकि मेरा वेट आई थिंक 10 से 15 किलो कम हो चुका है। तो सर क्या मैं एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाऊं या वेट करूं, क्योंकि लंग्स में मेरे को ऐसा लगता है, मैंने जो फिजियोथेरेपिस्ट से भी बात की थी जो मेरे को करवा रहा था फिजियोथेरेपी, उसने मेरे को मना कर दिया था कि अब आपको जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में मैंने फिजियोथेरेपी कराई थी और उसने बोला आपका 70% सब क्लियर हो चुका है और आपकी सांस भी रुक रही है, सांस आप खींच पा रहे हो, तो सर मुझे अब क्या ध्यान देना चाहिए और डाइट में क्या करूं सर मैं, क्योंकि अभी वहां पर स्टेरॉइड की वजह से मेरा इंसुलिन चल गया था। तो सर स्टेरॉइड तो धीरे धीरे करके डॉक्टर से बात हुई थी वो बंद हो गई है, अभी लास्ट डोज कल चलेगा सर, सिर्फ 4 mg मेड्रोल। तो जैसा आप बता रहे हैं तो उस हिसाब से रिकवरी पे ही हैं आप, अच्छी रिकवरी पे हैं। जैसा हम बता रहे हैं, जैसे हमने बोला क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, तो ये टाइम लगेगा, पूरी तरीके से नॉर्मल आने में टाइम लगेगा, बट जिस तरीके से आपने जितनी देर बोला, आपको जैसे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप कह रहे हैं जैसे चढ़ फिर रहे हैं और स्पायरोमेट्री में तीनों बॉल्स उठा पा रहे हैं, तो ये अच्छे साइंस है। पर वही है कि हम एकदम से ये सोचें कि हम 100% रिकवरी को जल्दी अटेन कर लें, वो नहीं होगा, धीरे धीरे करके करना है। बाकी डाइट वही है, आप घर का नॉर्मल खाना लीजिए, जो मन कर रहा है वो लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि खिचड़ी दलिया ही खाना है, जो मन कर रहा है आप घर पे खाएं। और बस यही है कि एक तरीके से बॉडी ने बहुत कुछ लूज़ किया, वेट भी लूज़ किया, एनर्जी भी लूज़ की, अब वो वापस देना ज़रूरी है। तो ना तो एकदम से देना है और ना ये सोचना है कि सब कुछ एकदम से मिल जाएगा। आपके केस में भी आपने जो आपने मेंशन किया, जो हमने भी बताया कॉम्प्लिकेशन के बारे में, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, ये बहुत पेशेंट्स में देखा जा रहा है और हम भी अपनी क्लिनिकल केस टेकिंग में हमने बहुत पेशेंट्स में ये चीज़ देखी है, किसी को कम है किसी को ज़्यादा है। पेशेंट्स क्या कंप्लेन करते हैं कि उनको कभी वो ठीक महसूस करते हैं, बट अगर वो थोड़ा सा भी फिजिकल एग्जर्शन अगर करते हैं तो उनकी एनर्जी बिल्कुल टोटली ड्रेन फिर से हो जाती है, मतलब बॉडी उठती है फिर गिर जाती है, उठती है फिर गिर जाती है। इस चीज़ को सिर्फ टाइम पे मत छोड़ दें, सिम्टोमेटिकली इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें आप होम्योपैथी की भी हेल्प ले सकते हैं, जितने भी हमारे पास पेशेंट्स हैं होम्योपैथी इज डूइंग अ ग्रेट हेल्प इन देम, तो आप वो भी एक ऑप्शन सोच सकते हैं। और जैसे आप फिजिकल एग्जर्शन की या एक्सरसाइज के लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा आप अभी आप टाइम दीजिए, बहुत 1% करके अपनी एक्टिविटी को आप बढ़ाइए, कम से कम जब आपकी बॉडी की एनर्जी मोर देन 70% नॉर्मल की तरफ नहीं आ जाती, मोर देन 70% रिस्टोर नहीं हो जाती, तब तक आप हैवी एक्सरसाइज या बॉडी को जबरदस्ती पुश करना ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको भी नहीं पता कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन रिएक्शन वेयर एंड टियर कितनी सारी जगह है, कुछ तो टेस्टों में डिटेक्ट हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं, तो थोड़ा सा बॉडी को इंटरनली हील होने का भी टाइम दीजिए, बट रिकवरी हो जाएगी। मैडम मैं जब हॉस्पिटल में था
तो वहां पर मैं मैडम, मैं जब हॉस्पिटलाइज था तो वहां पर 5-6 दिन की रिकवरी के बाद डॉक्टर्स की गाइडेंस में उन्होंने बोला था कि आप वॉक करें, तो मैंने वॉक शुरू करा और देन स्टार्टिंग विद 2 मिनट्स मैंने 10 मिनट इजिली वॉक करना शुरू करा और करीब वहां पर मैंने 7-8 दिन 10-10 मिनट के दिन में पूरे दिन में 8 बार चक्कर लगाए और ब्रिस्क वॉक करा, जैसे 6 मिनट की ब्रिस्क वॉक होती है, तो वहां मैंने किया, वो मेरे को कंफर्टेबल था। मैंने स्टेयर भी वहां चढ़ के देखी, यहां भी स्टेयर चढ़ के देख रहा हूं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो रहा लेकिन वीकनेस हल्की है। तो मैडम, ओके, वैसे आपके हिसाब से मैडम क्या लग रहा है, क्योंकि कल मैंने ऑनलाइन अपने बच्चे को पढ़ाया करीब 1.5-2 घंटे और मुझे ठीक लगा, उल्टा जब मैं हल्का रुक रुक के बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। जब मैंने खुल के एज ए टीचर मैं जैसे पढ़ाता था तो मैंने जब उस लेवल पर पढ़ाया तो मुझे अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ, और जब मैं सोच सोच के बोल रहा था तो ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, मतलब इवन मैं आरती करता हूँ अगर मैं हल्का हल्का बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है अनकंफर्टेबल है, मेरी आवाज़ रुक रही है, और जब मैं खुलकर कह रहा हूँ जैसे बोलता हूँ नॉर्मली तो मुझे लगा बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, तो आप क्या कहें गाइड के लिए? ग्रेजुअली आपको बढ़ाइए, रिकवरी की तरफ है, टाइम लगेगा बट ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन आलोक गुप्ता जी का है। आलोक गुप्ता जी आप अनम्यूट है, अपना क्वेश्चन कर लीजिए और क्वेश्चन करने के बाद अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। आलोक गुप्ता जी, आलोक अलका गुप्ता जी, अलका गुप्ता है शायद। हाँ अलका गुप्ता, अलका गुप्ता, अलका गुप्ता जी आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने आपको। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि ये 18-22 इयर्स एज ग्रुप के कुछ हमारे यहाँ एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स हैं जो अब नेगेटिव हो चुके हैं, और वो अगर वैक्सीन लेना चाहते हैं तो उनको कितना गैप रखना चाहिए, क्योंकि SOP में तो 3 मंथ्स आ रहा है पर ये लोग एसिम्प्टोमेटिक थे और अब नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक है, देखिए अगर एसिम्प्टोमेटिक भी थे लेकिन अगर इनका टेस्ट हुआ है RT-PCR में और उसमें पॉजिटिव आया था, क्योंकि अगर घर में किसी और को होगा उस वजह से भी पता चला होगा कि एसिम्प्टोमेटिकली लेकिन पॉजिटिव आए, तो SOPs अभी के हिसाब से जो आई हैं, पहले बीच में 4 वीक्स थी, फिर उसके बाद अभी 3 मंथ्स हुआ है, तो एटलीस्ट जो अभी स्टडीज हैं उसमें यही है कि 80-90 डेज हमें रुकना चाहिए पोस्ट कोविड। अगर फर्स्ट वैक्सीन के बाद हुआ है कोविड तो भी, अगर कोविड हुआ है और उसके बाद फर्स्ट वैक्सीन लगवानी है तो भी, सो एटलीस्ट या एटमोस्ट का है कि 90 डेज, तो ये आप समझ लीजिए कि 70-90 डेज तक तो वैसे भी रुकना चाहिए, क्योंकि अगर सिम्टम्स ना भी आए हो अगर हमें तो बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज फॉर्म हुई होंगी, कम या ज्यादा पर हुई जरूर होंगी, और वो कुछ लगभग 60-90 डेज बॉडी में रहती है, तो कुछ प्रोटेक्शन आपकी बॉडी आपको दे देगी, और अभी क्योंकि बहुत ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं है तो आप आराम से इतना वेट कर सकते हैं विद ऑल द प्रिकॉशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री लता केएस। हाँ गुड इवनिंग सर। सर आई एम श्री लता स्पीकिंग। Actually, I had taken COVID shield 2 doses, sir, but still I had got fever. So I went, even my daughter, she was having a terrible sore throat ache. So we did PCRT. So we were tested positive, sir. Myself, my husband and my daughter. We took the treatment, sir. And Fabiflu was given to us, azithromycin and cetirizine was given to us, sir. Now 14 days has completed, nearly 21 days, I think so. Again, if we do RT-PCR, whether it will be positive or negative, and I want to know what are all the other tests we have to do, sir, after we have recovered from this COVID. Okay. So, because as you said, 21 days ho gaye hain aapko.
तो जनरली तो तब तक वायरस डेड हो चुका होता है एंड आरटीपीसीआर विल कम नेगेटिव, बट देर आर अ फ्यू केसेस जिसमें जिन्होंने बाद में करवाया तो भी वीक पॉजिटिव ही सही लेकिन आरटीपीसीआर फिर भी पॉजिटिव आया. सो अभी के लिए इफ योर होल फैमिली वॉज अफेक्टेड एंड अभी क्योंकि जैसे लॉकडाउन है यू आर नॉट गोइंग आउट, अगर ऐसा कोई एसेंशियल सर्विस नहीं है ना आप बाहर नहीं जाते हैं तो आप घर में ही अभी आप प्रिकॉशंस लीजिए एंड वापस से आरटीपीसीआर अभी नेगेटिव के लिए करवाने के लिए हम कहेंगे कि अभी आप वेट कर सकते हैं क्योंकि अभी टेस्ट करवाना अगर कहीं पे वापस जॉब रिज्यूम करना है तो अभी करवाएं वरना यू शुड वेट फॉर सम मोर टाइम. एंड बाकी जैसे आपने उस टाइम पे फैबिफ्लू और एजिथ्रोमाइसिन सब लिया था बट यू गॉट बेटर, सो अब वही है जैसे पोस्ट कोविड वीकनेस है अब उसका आप ध्यान रखें एंड डाइट एंड अदर प्रिकॉशंस आप लीजिए. जहाँ तक आप कह रहे हैं कि दोनों वैक्सीन डोजेज लेने के बाद भी आपको हुआ, तो देर आर मेनी केसेस जिनको वैक्सीन लेने के बाद भी हो रहा है बट स्टडीज हैव शोन कि वैक्सीन लेने के बाद जो कोविड इलनेस हो रही है इट इज मच माइल्डर देन जो दूसरे इलनेसेस, मतलब अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई होती तो होती. तो बचाव तो है बट ये कहना कि भाई वैक्सीन लगा ली तो अब हमें कोविड नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर समाओ इस वजह से आपको माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स पे ही आप बेटर हो गए एंड आपने फैबिफ्लू और एजिथ्रोमाइसिन ली तो आप बेटर हो गए, बस अब आप प्रिकॉशन लीजिए यू विल बी मच बेटर. सुनाई दे रहा है मेरी आवाज ऑडिबल? हेलो. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी तक मर्सिफुली मेरे को कोविड हुआ नहीं है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ. मेरा मैं 18 to 45 एज ग्रुप में हूँ और अभी तक मेरे को फर्स्ट डोज भी नहीं मिला है, तो लेकिन मेरे को बहुत डेंटल पेन है, तो मेरा जो डेंटिस्ट है वो हॉस्पिटल में है जहाँ पे कोविड पेशेंट्स भी हैं नॉन कोविड पेशेंट्स भी हैं. अभी जनरल प्रोटोकॉल्स मेरे को मालूम है N95 मास्क, और तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लूं, क्योंकि अभी तक मैं सेल्फ मेडिकेट कर रहा हूँ लेकिन अनबेरेबल पेन हो रहा है मेरे को, रात को नींद भी नहीं आ रही है. तो अभी मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक जाऊँ डेंटिस्ट के पास, तो वो क्योंकि साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी है. अभी जैसे आपने प्रीवियस पर्सन को बताया उन्होंने वैक्सीन भी ली तो भी उनको कोविड हो गया, तो ये मेंटल एंग्जाइटी है, तो क्या आप और प्रिकॉशन सजेस्ट करेंगे? और सेकंड मेरा जस्ट जनरल क्वेश्चन था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया जैसे ही देश हैं तो भारत में ही क्यों इतना कोविड और ये जो एसोसिएटेड फंगल इन्फेक्शन क्यों फैले हैं, मतलब उसका साइंटिफिक या लॉजिकल रीजन. थैंक यू. देखिए सर, जो पहली क्वेरी है आपकी कि आपको डेंटल इन्फेक्शन या जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप अपने डेंटिस्ट से ऑनलाइन बात करके देखिए. मेडिकेशन से जितना भी अभी आप बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं तो वो कीजिए, अगर बहुत ही ज़रूरी है, अगर जो आपकी इन्फेक्शन है इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन तो आप कोशिश कीजिए अगर आप किसी ऐसे डेंटिस्ट के पास जा सके सिर्फ जहाँ डेंटल सेटअप हो विद ऑल द ड्यू प्रिकॉशंस. ठीक है, तब तक आप जितनी भी आप बता रहे हैं अबाउट मेंटल एंजाइटीज वगैरह के बारे में जो भी आप वरी कर रहे हैं, अगर आपको वैक्सीन नहीं भी लगी तो जितने भी प्रिकॉशंस हमने आपको बताए हैं, मास्क, सैनिटाइजेशन, अगर जितनी बार भी आप बाहर से आते हैं प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मास्क, वॉशिंग द क्लोथ प्रॉपरली, इन सब चीज़ों को अगर डेली रूटीन में आप फॉलो करेंगे तो बचे रहेंगे और जब आपको नेक्स्ट मौका लगे आप अपनी वैक्सीन जरूर लेंगे. ठीक है सर, एंड कमिंग टू द सेकंड क्वेरी के हमारे इंडिया में ही बहुत ज़्यादा क्यों हुआ, ऐसा नहीं है कि कोविड इंडिया में ही हुआ है, अलग अलग ड्यूरेशन में हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूके, यूएस, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वेव्स आई हैं. ठीक है, जब हम पिछले कुछ मंथ्स 3-4 महीने पहले एक इंडिया एक बेटर स्टेट में था, दूसरी कंट्रीज में ये ज़्यादा हो रहा था, बट अभी हम ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. बट ये जो ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन हैं ये हमारे यहाँ ज़्यादा क्यों फैली है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया जो पॉपुलेशन एक फैक्टर है हमारी कंट्री में, इट इज़ अ बिग 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 फैक्टर. हमारे नॉट ओनली सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो गांव हैं, वहाँ तक तो मेडिकल हेल्प पहुँचती भी नहीं है कई बार, जो आजकल आप न्यूज़ में भी देखते हैं.
तो ये सब फैक्टर्स होने की वजह से, प्लस जैसे जो पीछे ऑक्सीजन सप्लाई की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, तो उसमें एट अ लार्जर स्केल, एट अ मास स्केल ऑक्सीजन को सप्लाई करना पड़ा, क्रिएट करना पड़ा। लोगों ने घर पर ही उसको यूज करने की कोशिश की, इंस्टॉल किया ऑक्सीजन सिलेंडर्स को। उसमें हुआ क्या, जो वन ऑफ द मेनी रीजन देखा गया है कि जो एक प्रॉपर तरीका होता है ऑक्सीजन देने का, एक प्रॉपर स्टेरलाइज्ड तरीके से ऑक्सीजन हैज टू ट्रैवल थ्रू अ वाटर कंटेनर, जिसके बाद वो पेशेंट के अंदर जाती है। अगर किसी भी एक चीज में, चाहे वो वाटर हो, ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, वो चाहे वो जो मास्क था, कि कोई भी अगर चीज स्टेराइल ना हो, किसी भी एक चीज में थोड़ी बहुत भी फंगस हो, डेफिनेटली हो सकता है इट वुड हैव लेड टू अ दीस काइंड ऑफ इन्फेक्शन। दूसरा, स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा ओवर यूज किया गया, बहुत ज्यादा सेल्फ मेडिकेट किया लोगों ने, जो कि रिसर्चेस में भी आ रहा है। इसकी वजह से भी हमारी जो कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी वाले लोग हैं, डायबिटिक लोग हैं, सबसे ज्यादा उन लोगों ने सफर किया। होता क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में ये कोरोना वायरस एंटर हुआ, ये मान लीजिए किसी भी सेल में एंटर हुआ, एक सेल में इसने अटैक किया, वो जो सेल होता है वो अपने आप को एक रिकॉग्नाइज करता है कि एक फॉरेन बॉडी ने एंटर किया। सेल में अपने आप में एक इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, वो बॉडी को सिग्नल भेजता है दैट वी नीड हेल्प, हमारे पे अटैक हो रहा है। तो उसके रिस्पॉन्स में, जैसे कहते हैं हम अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स या क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्रॉनिक फेज रिएक्टेंट्स, ऐसे बहुत सारे इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के इफेक्ट में बहुत सारे जैसे साइटोकाइंस जिनको कहते हैं, वो आते हैं टू रेस्क्यू द सेल्स। और जो सेल्स में इन्फेक्शन ज्यादा हो जाती है, उनका जो तरीका, एक मैं आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, तो वो सेल अपने आप को ये सोचता है कि रादर देन कि यहीं पे इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोका जाए, किल इट सेल। तो ये तो छोटे लेवल पे होता है, बट क्योंकि कोरोना में इन्फ्लामेशन इज अ वाइड स्प्रेड इन द बॉडी, बहुत सारे जगहों में हुई, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत बड़े लेवल पे बॉडी में हो गया एकदम से। जैसे कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर एक आंधी तूफान सुनामी हो गया बहुत सारे साइटोकाइंस का। तो रादर देन डूइंग गुड, उसने बहुत सारे, जिसे कह सकते हैं हमारी ही बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को डैमेज कर दिया। तो जिससे हुआ क्या, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए ड्रग्स दिए गए, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गई। तो ये मोटा मोटा एक रीजन है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री में हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं, लो इम्यूनिटी, डायबिटीज। तो यही सब रीजन है जिसकी वजह से इट हैज अफेक्टेड टू सच अ बिग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी रिक्वेस्ट, कृष्णा कौशिक। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन मेरी मदर को लेकर है। मेरी मदर शुगर पेशेंट है और वैक्सीन उनको लग चुकी है, तो उनके लिए भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर वो डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनको अलर्ट रहने की जरूरत जरूर है। अगर उनकी मेडिकेशंस लेने के बाद अगर उनके लेवल्स नॉर्मल के नीचे नीचे रहते हैं, ठीक है, तो कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है, बट अलर्ट रहिए बस। प्रिवेंटिव मेजर जिसे हमने कहा है कि शुगर चेक करते रहिए, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहिए, तो बस अगर इन्फेक्शन का जरा भी कोई आपको एक लक्षण भी दिखे, उसी टाइम अपने डॉक्टर से बात कीजिए। इन्फेक्शन है वो जो आपको जिस स्पीड पे असर करेगा या जितनी जल्दी पकड़ेगा, उससे ज्यादा जल्दी एक डायबिटिक पेशेंट आपकी मदर को अफेक्ट कर सकता है। इसके बस अलर्ट रहें, विजिलेंट रहें, उनको बिल्कुल भी बाहर जैसे जाना और बाकी एक्सपोजर से बचा के रखें, इट विल बी ओके। जी, थैंक यू सर। अगर आप में से किसी और का कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर, चैट बॉक्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और है जो आई थिंक मिस आउट हो गया, मैं वो क्वेश्चन एक बार पढ़ना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट। क्वेश्चन था, माय फादर इज रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड अबाउट 1 month, हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम रिकवरी, बट द डॉक्टर इज स्टिल गिविंग हिम स्टेरॉइड्स, इज दैट राइट टू टेक स्टेरॉइड्स टिल नाउ? ये मिस्टर ईशान का क्वेश्चन है। मैम, पूरी तरीके से हम केस हिस्ट्री नहीं जानते, इसलिए इसमें थोड़ा कमेंट नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर हैं उनके उन्हीं को कॉल लेनी चाहिए इस चीज पे, वरना जो भी मेडिकल हिस्ट्री है वो देखते हुए, या फिर जब उनको कोविड हुआ था वो किस लेवल तक हुआ था और उसको कितनी कॉम्प्लिकेशंस आई थी जिस वजह से स्टेरॉइड दे रहे हैं, और स्टेरॉइड भी किस चीज को ठीक करने के लिए दे रहे हैं जो अभी तक नहीं खत्म हुए, वो डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर या उनके पर्चे देख के बता सकते हैं हम। बट एटलीस्ट आप अपने डॉक्टर से
खुल के बात कीजिए इस बारे में कि अब कितने दिन और चलेंगे एंड व्हाट इज द रीजन कि वो आपको ये स्टेरॉइड्स दे रहे हैं. बाकी योर अटेंडिंग डॉक्टर इज द बेस्ट जज इन योर केस, तो इस बारे में आप उनसे पूछिए. थैंक्स सो मच डॉक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शाफिया अंसारी. शाफिया आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने हैंड रेज किया है. गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर दांतों में कैविटी है तो क्या उससे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं? फंगल इन्फेक्शन जरूर हो सकता है, बट वो ये ब्लैक फंगस या ये जो कॉम्प्लिकेशंस की जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये जो फेटल कॉम्प्लिकेशंस जो आगे चल के बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट्स ले रहे हैं उसमें तब्दील हो, ये जरूरी नहीं है. फंगल इन्फेक्शन तो स्किन में, कैविटीज में, बाकी चीजों में होते ही हैं. वो डेंटल डॉक्टर उसको किस वजह से हुआ है, क्योंकि हम जो खाते हैं वो खाना अगर कहीं बीच में दांतों के बीच में फंसा रहे तो उस वजह से बैक्टीरियल, फंगल, तरह तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं. पर ये वो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से इससे आप कंफ्यूज मत कीजिए. इन्फेक्शन जरूर हो सकता है आपको, बट क्योंकि आप अगर सेम वही बात, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये एक जनरल एक छोटी एक अलग और प्रॉब्लम है. तो आपको अगर हो भी गया तो इट विल नॉट बी अ डेडली, जैसे कॉमन कोई भी छोटी मोटी इन्फेक्शन है वैसे होके इजीली मेडिकेशन के साथ सेटल हो जाएगा. ओके थैंक यू. दिव्यांशु जी मुझे लगता है अभी सभी के क्वेश्चन हो गए हैं. यस मैम, थैंक यू. तो आज जो हमारा अवेयरनेस सेशन का विषय था, डिफीटिंग कोरोना वायरस एंड ब्लैक फंगस, मुझे लगता है उसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी, इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन हम सबको मिली है कि ज्यादातर लोगों के तो जो मन में क्वेश्चन रहे होंगे वो भी, उनके आंसर्स भी सेशन में मिल गए होंगे, और कुछ लोगों के जो क्वेश्चन थे वो उन्होंने पूछे ही हैं. आगे ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, हम सब अभी ब्लैक फंगस को देख रहे हैं, आगे जैसा कि अभी बातचीत में आ रहा था व्हाइट फंगस, येलो फंगस. तो इस विषय में निश्चित रूप से आज जो हमें जानकारी मिली है वो इस बीमारी से बचने के लिए हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगी, लाभप्रद रहेगी. अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए उड़ान के कन्वेनर श्री सुमित मालूजा जी से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे अतिथियों का वोट ऑफ थैंक्स करें. श्री सुमित मालूजा जी. मैं सुमित मालूजा जी से आग्रह करती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें. जी धन्यवाद श्रुति जी, अनम्यूट करने में थोड़ा समय लगा जी. तो हम सभी जानते हैं कि चाइनीज वायरस के कारण पूरा विश्व पिछले दो साल से, यानी कि 2020 और अब 2021, एक बहुत बड़ी समस्या के बीच में से गुजर रहा है. हमारा देश भी उसी का ही हिस्सा है, उसी बीमारी को ही फेस कर रहा है, उसी समस्या को ही फेस कर रहा है. सरकार ने, प्रशासन ने इस कठिन परिस्थिति में पूरी मेहनत की है, पूरा प्रयास चल रहा है. बहुत सारी चीजें जो एक महीने पहले संभव नहीं दिखती थी वो अब होती हुई दी. लेकिन जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है जो एक अनएक्सपेक्टेड होती है, अनप्रेसिडेंटेड होती है, जिसको हम पहले से जज नहीं कर सकते, तो उसमें केवल सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहना, उसकी तरफ देखना कि वही सब कुछ करे, ऐसा करने से शायद सब कुछ ठीक नहीं होता. और इसी कारण हमारे देश में पूरे समाज ने अपने ऊपर ये जिम्मा लेकर बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास शुरू किए इस जो वर्तमान चैलेंज के लिए, उसको मीट करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए. जो सबसे बड़ी चीज है जो उससे लड़ने के लिए, वो है अवेयरनेस, वो है नॉलेज, वो है डर का ना होना, और जो प्रोटोकॉल बताए गए हैं, जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं, उनको फॉलो करना. तो मुझे लगता है कि ये सब पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हो रहा है. उड़ान की तरफ से ये छोटा सा प्रयास आज आप सबके सामने ये विषय रखने का हुआ, और बहुत प्रसन्नता हुई जिस पेशेंस के साथ, जिस क्लैरिटी के साथ डॉक्टर शांतनु और डॉक्टर निधि ने ये सेशन दिया, और आप सबने बड़ी पेशेंस के साथ ये दो घंटे पूरा सेशन सुना, समझा, प्रश्न पूछे. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर शांतनु का, डॉक्टर निधि का. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको साधुवाद, आपने समय निकाला, अपने दो घंटे महत्वपूर्ण समय निकाला और सबको
इस समय जो गाइडेंस की आवश्यकता है वो भी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पूरी उड़ान टीम का भी, हमारे अध्यक्ष श्रीमान अनुपम भट्टागर जी, इस कार्यक्रम की जो पूरी जिम्मेवारी जिनके ऊपर थी श्रुति जी, बाकी जो हमारे सभी टीम के सदस्य हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए ये सत्र कराया गया, सारे जो पार्टिसिपेंट रहे उसमें, स्टूडेंट्स भी रहे उसमें, उनके पेरेंट्स भी रहे, और सबने बड़ी पेशेंस के साथ ये सब सुना समझा, और मुझे विश्वास है इससे वो लाभ भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र। थैंक यू, थैंक यू सभी का आभार। अब ये मीटिंग समाप्त करते हैं, धन्यवाद सभी का, सभी को नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।